नमस्कार दोस्तों, यतिन सर नमस्कार। तो चलो करें, बिल्कुल नो डाउट कल का जो वीडियो है, आपके जो कमेंट्स देखने को मिले, वैसे कुछ एक कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि यतिन सर को जब बोलना ही नहीं था तो लेकर क्यों आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने रेगुलर 6-7 क्वेश्चन कर दिए थे, उसके बाद आप आगे का वीडियो देखेंगे तो यतिंद्र सर के द्वारा, और बाद में यतिंद्र सर के लिए भी अच्छे कमेंट्स आए हैं कि यतिंद्र सर नो डाउट बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं और हमारी रियल में अच्छी फैकल्टी भी है। ठीक है, तो चालू करते हैं अगले वीडियो को। अपन सेकेंड पार्ट रहेगा एनिमल किंगडम सेकेंड का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट अपने देखे थे, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर अगेन जो क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा, ये हमारा आपसे कमिटमेंट रहेगा, लेकिन कंसेप्ट के एक ही कंसेप्ट पर अलग अलग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये जो है अपन व्यू करेंगे यहाँ पर। इतने सर चालू करें। जी जी सर। मैच द फाइलम विद देयर इनकरेक्ट करेक्टर, इनकरेक्ट करेक्टर के लिए बोल रहा है, बिल्कुल यतिंद्र सर ने हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि जब भी नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन हो तो बच्चों अपने को हाईलाइट करना है इसको, ठीक है। मोलस्का प्रेजेंस ऑफ मेंटल बिल्कुल पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडिजेज करेक्टरिस्टिक फीचर भी है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल बिल्कुल। इकाइनोडर्मेटा वाटर कैनाल सिस्टम या वेस्कुलर, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर। तो ये जो है कैनाल, इसको आपको याद रखना है, वाटर कैनाल सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरिफेरा एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो यहां पर बच्चों क्या होना चाहिए था, वेस्कुलर होना चाहिए था। ओके, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरिन, कंप्लीटली मैरिन एनिमल है, कोई एक्सेप्शन इसका नहीं है, बिल्कुल। तो इनकरेक्ट पूछा है हमने से, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा मार्कर का रेड कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा विजुअल इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें दोस्तों। जी 62 सर। ऑर्गन फाउंड इन बकल कैविटी ऑफ सम मोलस्क फॉर रेस्पिंग द फूड, है ना, कल भी जैसे अपन ने सुनील जी बात की थी, बिल्कुल, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड जो इनके बकल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन मोलस्क के लिए दिखाते हैं, तो यहाँ पर वो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसको अपन जो है रेटिनुला से डिनोट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अदर ऑप्शन टंग दिए हैं, टीथ दिए हैं, क्यूटिकुलर टीथ, तो कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा, हाँ तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चले आगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 63। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पैरापोडिया लेटरल अपेंडिजेज प्रेजेंट मेनली इन मोलस्क एंड यूज्ड फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पर मोलस्क की वजह से गलत हो गया सर, यतिंद्र सर क्या आना चाहिए था, मोलस्क की जगह यहाँ पर जो है वो एनेलिड्स, एनेलिड्स आना चाहिए था, एनेलिड्स में भी एक्वेटिक एनेलिड, नेरिज की अपन बात, नेरिज के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एनेलिड आना चाहिए था, एनेलिडा, और वो भी कौन सा, एक्वेटिक, एक्वेटिक एनेलिडा, मैरिज की बात हो गया। सुनील जी बच्चे एक चीज और याद रख सकते हैं, जो पैरापोडिया इसका डुअल फंक्शन है ना, बिल्कुल, लोकोमोशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पार्टिसिपेट करता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एनसीईआरटी ने बोल दिया है यहाँ पर कि स्विमिंग में होता है, लेकिन एक हिडन चीज यहाँ पर, आप एनसीईआरटी के बगल में जो स्पेस दी हुई है वहां पर इन एडिशनल चीजें, एडिशनल थिंग्स को जो है वो आप मेंशन करते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है अपने से, तो पहला वाला ही इनकरेक्ट हो गया ये, अच्छा ये और भी कई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी देख लेते हैं, एक तो इनकरेक्ट, फिर ये हो गया फिर दूसरा देख लेते हैं, रेडुला इन मोलस्क इनकरेक्ट हो गया, रेडुला इन मोलस्क इज यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन, रेडुला तो अभी अभी बात की थी, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कहलाता है, तो ये भी क्या हो गया अपना, रोंग हो गया, फूड के मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व है ना, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड के लिए होगा। एस के हेलमिंस आर डायोसियस यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जहां पर अपने सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखा था एस्केरिसिक के केस में, लास्ट वीडियो भी अपने, हाँ हाँ, मेल और फीमेल की बात की थी, तो डायोसियस होते हैं, ये बात तो क्या है, करेक्ट होगी। इकाइनोडर्म्स लार्वा स्टे सोच बायलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल ठीक बात है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा तो शो करते हैं बायलेटरल, लेकिन अडल्ट शो करते हैं रेडियल पेंटामेरस रेडियल टाइप, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो गया। टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल दो ही जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म कहलाती है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा, ए एंड बी, ए एंड बी का ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, तो आंसर हो गया बच्चों अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जी सर।
फीचर ऑफ पोरीफेरेंस एनिमल इज की जो पोरीफेरा है जो सबसे पहला फाइलम है, तो इनका जो है इनमें से कौन सा फीचर है उसकी बात इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस वजह से ये जो है गड़बड़ हो गया, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल के साथ एसेक्सुअल भी है। एनसीईआरटी की लाइन भी मेंशन है यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी जी जी, और हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, ठीक है। और सेक्स आर सेपरेट जो है, तो ये जो है बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल कहलाते हैं, सेपरेट भी नहीं होते, तो इसमें अपन इसको भी नहीं लेंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो इसकी अपन ने कल ही बात की थी कि जो ऑस्टिया है उनके थ्रू, सॉरी इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर अपन ने कल बात की थी कि इनमें जो फूड का डाइजेशन है वो पैरागेस्टिक कैविटी में नहीं होता है। हाँ। उसमें आने के बाद में पॉलर सेल उनको इंटेक करती है, अपटेक कर लेती हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, फिर तो, सेल के अंदर फूड वैक्यूम। कल भी अपन यही बात की थी कि पहली बार एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अपने को सिलेंट्रेट्स में, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में देखने को मिला। जी 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 जी, और इसमें फिर वो जो है सेल के अंदर फूड वैक्यूल में वो डाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Next. तो ये वाला फिर सही हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, वाटर एंटर इन बॉडी बाय ऑस्कुलम, नहीं जी 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 बिल्कुल। यहाँ बच्चों को एक डायग्रामेटिकली हाँ बच्चों को समझा जाएगा। तो बॉडी पर जो है वो यतेंद्र सर, यहाँ पर पोर्स पाए जाएंगे, वेरियस पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, और एक बड़ा पोर जो है वो इस एंड पर कहलाता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो ये माइन्यूट पोर, ये तो कहला जाते हैं अपने ऑस्टिया, और ये जो लार्जर पोर होता है सिंगल पोर, ये ओस्कुलम कहलाता है। तो ये बच्चा हो गया अपना ओस्कुलम, ठीक है। तो वाटर एंटर इन बॉडी बाय ओस्कुलम, एग्जिट करेगा वाटर की, एग्जिट होगा यहाँ से। हाँ, इसकी जगह अगर ऑस्टिया होता तो फिर ये सही हो जाता, ऑस्टिया अगर होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो फिर अपना आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3, बढ़े आगे जी जी। ए एंड बी डायग्राम आर गिवन बिलो, विच करेक्टर इज नॉट मैच्ड विद देम। तो डायग्राम देखकर पता चल रहा है दोनों ही प्लेटियल टेम्पोम का है, ये फैसियोला है अपना, ठीक है, प्लेटी हेलमेंट्स के हो गए। ए एंड बी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल हैं दोनों, तो प्लेटी हेलमेंट्स का सिमेट्री के बेसिस पर करेक्टर है बायलैटरल। सुनील जी, फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन के दौरान यही बायलैटरल, हां फर्स्ट टाइम, ये कल भी अपने बात, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। ए एंड बी डज नॉट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि दोनों ही बाइसेक्सुअल, दोनों ही बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी डज नॉट हैव, बिल्कुल ठीक बात है, सेपरेट सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, करेक्ट हो गए, ठीक है। ए एंड बी शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जी इंटरनल है दोनों के अंदर, दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और क्रॉस कह सकते हैं ना, क्रॉस टाइप का फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। ए एंड बी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है एंड सिलोमेट एनिमल, ये क्या हो गया, कैसे हो गए, ए सिलोमेट एनिमल, प्लेटी हेलमिंथ्स कैसे हैं बच्चों, ए सिलोमेट एनिमल कहलाते हैं। अपने से पूछा क्या है, नॉट मैच्ड पूछता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर। इवोल्यूशन के दौरान फर्स्ट टाइम जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए तो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म थी वो सोलिड फॉर्म, सोलिड सोलिड मेसोडर्म, सिलोम का फॉर्मेशन इनमें हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। और इवोल्यूशनरी कोर्स के ही ये बात करें तो एस के एलिमेंट्स में ये पाउच लाइक फॉर्म में आ गए, पाउच लाइक, और उसके बाद में ये ट्रू सिलोम बन जाए। जी जी जी, तो बढ़े आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना जी सर। रॉन्ग आपको स्टेटमेंट पूछा है हुक वॉर्म के लिए ना, और हुक वॉर्म एनसेफलो जी जो है आपका एस के एलिमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एलिमेंट किनाल इज कंप्लीट एंड मस्कुलर फेरिक्स इज वेल डेवलप्ड, सही है, बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों ये। मस्कुलर फेरिक्स जो है उसकी हेल्प से ये जो अपने होस्ट शेप फूड को अंदर की तरफ जो है इंटेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल पंप की तरह उसको सक 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 टाइप में, बिल्कुल। और डायोसियस है दोनों, मतलब इसके जितने मेंबर है वो सब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं, भी सही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल दिया है, ये गड़बड़ हो गया, इस यहाँ पर एनसीईआरटी ने एस के एलिमेंट्स के लिए लिखा है इंटरनल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जो है ये वाला यहाँ पर थोड़ा सुडोसिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो पाया जाता है किसमें, एस के एलिमेंट्स और इनमेंट फॉर्म में, हाँ जी, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, लार्वल स्टेजेज पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, Which animal shows radial symmetry in adult stage? Adult में radial है and bilateral symmetry in larva. अभी अभी repeat हुआ है ऐसा ही question, लेकिन language framing उसकी अलग है, इसका मतलब ये echinodermate की बात कर रहे हैं।
तो अपन बात करें इकाइनोडर्मेट सीलिली इकाइनोडर्मेट हो जाएगा बिल्कुल जी। सी फैन की अगर बात करें तो सिलेट्रेट है गोरगोनिया जो अपन ने कल देखा भी था। सी पेन की बात करें पेनेटुला हो जाएगा ये भी सिलेट्रेट हो गया। सी माउस एफ्रोडाइट एफ्रोडाइट ये एनेलिड 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 के अंदर आ जाएगा। तो बच्चों अपना इसका आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सुनिए जी बच्चों को इसमें जो है एनसीईआरटी के स्टेटमेंट याद करने के बाद या नोट्स पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जो है इनको एग्जाम्पल याद रखनी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल याद रखना है। बार बार इनको कॉपी में लिखना है फाइला के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल लिख लिख कर आपको याद करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल नेम भी याद करना है इनका कॉमन नेम भी याद करना है। फॉर एग्जाम्पल सी लिली की बात कर लें तो जूलॉजिकल नेम क्या रहेगा इनका तो मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम दोनों ही जो है वो बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके। ठीक है बढ़े आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 68 सेल ऑफ मोलस्क इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स। सेल की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है मेंटल के द्वारा प्रोड्यूस हो जाएगी जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर मोलस्क और करेक्टरिस्टिक फीचर भी इसका कहलाता है मेंटल का पाया जाना। ठीक है और यहाँ पर डायग्रामेटिक रूप से अगर रिप्रेजेंट करवाना चाहिए शो कर दे। हाँ बिल्कुल तो मेंटल हो जाएगा विसरल मास हो जाएगा हम्प हो जाएगा जी और उनके बीच में कैविटी हो जाती है मेंटल कैविटी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छा है सर आपका थैंक यू सर बिल्कुल। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके दिया है लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट जो है वो एक्सप्रेशन पूरा दिखाया गया है। यहाँ पर ये मेंटल हो जाएगी नो डाउट। तो देखो कि इसमें जो बॉडी के तीन पार्ट सुनील जी बच्चों को अपने बताते हैं बिल्कुल, कि जैसे बिल्कुल। हेड हो गया ये वाला पार्ट जो वो हेड है हेड के अलावा हेड पे ज्यादातर सेंसरी ऑर्गन ओमेटोफोर पर ये आईज है इसके अलावा टेंटेकल्स है बिल्कुल, बिल्कुल। माउथ के अंदर आपका रेडुला है डाइजेशन के लिए और उसके बाद में ये जो पार्ट है विसरल हम्प जिसको बोलते हैं ये विसरल विसरल हम्प और ये मस्कुलर फुट हो जाएगा जो लोकोमोशन में हेल्प करता है बिल्कुल। तो यहाँ पर सुनील जी ये देखो कि ये जो सबसे बाहर है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना जो है वो शेल कहलाता है और इसके नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन है जो मेंटल मेम्ब्रेन है ये वाली जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल मेंटल मेम्ब्रेन। तो मेंटल मेम्ब्रेन और जो सुनील जी विसरल हम्प वाला पार्ट है इनके बीच में एक कैविटी कैविटी मेंटल कैविटी मेंटल कैविटी बिल्कुल। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि मेंटल कैविटी को बता देते हैं बिटवीन मेंटल मेम्ब्रेन एंड कैल्केरियस सेल कैल्केरियस सेल तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा वो वहां पे गलत हो जाएगा। तो मेंटल कैविटी कहाँ पाई जाएगी बच्चों ये सेल के बीच में हो जाएगी नहीं और जैसे अपन ने अभी पैरापोडिया के लिए बताया था कि उनका डुअल फंक्शन था लोकोमोशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। ठीक है तो यहाँ पर भी इस गिल्स के डुअल फंक्शन हो गए रेस्पिरेशन में तो इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में तो इन्वॉल्व है इसके अलावा एक्सक्रीशन में भी ये बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज भी आपको एनसीईआरटी में मेंशन करनी है कि मोलस्का की जो गिल्स पाए जाते हैं यहाँ पर ठीक है ये कैसे हो गए रेस्पिरेटरी हो गए इसके अलावा एक्सक्रीशन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एक अपने कल इनको ओडोंटोफोर आया था एक नाम बिल्कुल बिल्कुल वो ओडोंटोफोर भी यही होता है जी 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 सेंसरी स्ट्रक्चर सेंसरी स्ट्रक्चर जो वाटर में फूड की प्रेजेंस को सेंस कर जी 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 और फूड के सिलेक्शन और रिजेक्शन में ये इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर चले आगे जी शानदार काफी इंफॉर्मेटिव था अच्छा अच्छा किया डायग्राम बनाकर। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है तो मोस्टली मैराइन एनिमल्स होते हैं करेक्टरिस्टिक नहीं है मोस्टली होते तो हैं हाँ, होते हैं कुछ फ्रेश वाटर हाइड्रा फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर हो गया प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स अराउंड द माउथ टेंटिकल्स औरों में भी इनके अलावा भी पाए जाते हैं टेंटिकल्स की प्रेजेंस तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं सिलेंट्रेट में तो पाए ही जा रहे हैं इसके अलावा अभी मोलस्क के अंदर बात की मोलस्क में डायग्राम में अपने बनाया था सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी एक ही जगह स्थावर तो ऐसे तो अदर ऑर्गेनिज्म भी है जो आपके पोरीफेरा के हो गए हां पोरीफेरन मेंबर जो है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल शो करेंगे प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी केवल और केवल ये करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल और पहली बार देखा गया है और यही वो कैविटी है जिसके द्वारा अपन ने वो बताया था कि डाइजेशन कैसा हो गया इंट्रासेलुलर से
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो सिलेंट्रेटा में पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है बच्चों, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाएगा सेल्स के द्वारा, उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखा जाएगा। गैस्ट्रो अपन बता सकते हैं बच्चों को कि जहाँ पे डाइजेशन हो, और वैस्कुलर मतलब सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ पर जो फूड पहुंचेगा, गैस्ट्रो का मतलब तो आप जैसे स्टमक से रिलेट करें, इस वर्ड का मतलब स्टमक से हो गया तो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन गई, और वैस्कुलर वर्ड से मतलब हो गया सर्कुलेशन, वाटर करंट के साथ में ये न्यूट्रिशन यहाँ पर पहुंचा है। एक्चुअल में सुनील जी, अंदर की तरफ जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है जी, उसकी सेल्स डायरेक्टली एंजाइम बना करके इस कैविटी में रिलीज कर सीक्रेट करती है, और बाहर से जो फूड इन्होंने टेंटिकल्स की हेल्प से इंटेक किया उसका डाइजेशन हो, बिल्कुल इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर, इसीलिए एक्स्ट्रा हो गया, फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जी जी जी। तो अपना करैक्टरिस्टिक फीचर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी चलेगा कि अब इसमें स्टूडेंट जी सेडेंटरी लाइफ की अगर बात करें सिलेंट्रेट के अंदर, तो उसमें कोरल्स हैं, केवल केवल कोरल्स कहलाएंगे, कोरल सेडेंटरी लाइफ। इसके अलावा ओबेलिया फॉर्म जो है ना, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे सारे सेडेंटरी, सारे करैक्टरिस्टिक्स तो नहीं हुआ। बिल्कुल, जो सिलेंट्रिकल फॉर्म होती है, जैसे अपने कल भी बात की थी सिलेंट्रिकल फॉर्म, वो कैसी कहलाती है बच्चों, वो फ्री स्विमिंग नहीं है, ठीक है, वो कैसी कहलाती है, वो मतलब सेसाइल फॉर्म कहलाती है, जो मेडुसोइड, मेडुसोइड नॉन मूवेबल फॉर्म। जी जी, वो मेडुसोइड आपकी जो है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म है। हाँ, जो अम्ब्रेला शेप की अपन ने बोली थी वो तो फ्री स्विमिंग है, और वो वाली सेसाइल। सुनील जी, दोनों ही फॉर्म, जैसे इसमें तीनों प्रकार के जीव है, ठीक है ना, ओनली पॉलिप जैसे हाइड्रा है, बिल्कुल, ओनली मेडुसोइड जैसे ओरेलिया जेलीफिश, ओरेलिया है, और बोथ पोलिप एंड मेडुसा ओबेलिया हो जाए, दोनों फॉर्म होते हैं। तो ओबेलिया हो गया एक, आपका वो फाइसेलिया भी हो गया, फाइसेलिया पुर्तगाली भी, बिल्कुल, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वहां भी। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बताई आपने, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, केवल वही शो करेंगे जिनके लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज, दोनों स्टेज, बिल्कुल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोलिप एसेक्सुअल के द्वारा मेडुसा बना देगा, और मेडुसा पॉली बना देगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। कल अपनी दोस्तों इस बारे में बात भी हुई, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो मेटाजेनेसिस शो करता है, मेटाजेनेसिस। तो बच्चों को फिर ये याद रखना पड़ेगा कि जिसमें पॉली भी हो, मेडुसा भी हो, ओबेलिया और फाइसेलिया, बिल्कुल। चले आगे। जी जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को यही देखना कि पोरिफेरा सिलेंट्रेट या टिनोफोर में कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोरल सिलेंट्रेट हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, और स्पॉन्ज पोरिफेरा, ये भी पोरिफेरा में आ गए, और टिनोफोर ये डिप्लो हैं, ये भी डिप्लो हैं, तो ये डिप्लो, ये डिप्लो। हाँ, इसको थोड़ा सा जैसे कॉन्ट्रावर्शियल है सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी कई जगह इसको डिप्लो ही लिख रखा है। तो फ्लैगवर्म जो है वो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इसके बाद में आगे तक कोर्डेटा तक सारे के सारे कैसे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके लिए एक साथ एक लाइन यूज की जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चे, ठीक है, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद कर दिया, लेकिन आप मान के चले एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ में दूसरा भी जोड़कर जो है पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल कौन सा हो गया, ये प्लेटिहेलमिंथस हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार ये भी बन जाता है कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक साइजोसिलोमेट एनिमल, तो ये आपका एनालिट चला जाएगा जी, साइजोसिलोमेट, और फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंटेरोसिलोमेट वो आपका इकाइनोडर्मेटा। तो आप खुद से इन क्वेश्चन की जो है वो फ्रेमिंग करें, जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट जो है और ज्यादा तैयार हो जाए। चले आगे। तो आंसर कौन सा चला गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेंटल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन, अभी बता दिया था, अभी अपन ने बात की थी, किसके बीच पाई जाती है, विसरल हम और मेंटल के बीच क्या प्रेजेंट होती है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, इन इकाइनोडर्मेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड माउथ इज प्रेजेंट ऑन लोअर और लोअर साइड की वेंट्रल साइड, वेंट्रल, एंड एनएस इज प्रेजेंट ऑन अपर जिसको डोर्सल साइड कहते हैं। तो आप देखिए ये जो लाइन है बच्चों, ये एनसीईआरटी से ही ली गई है, बस फर्क इतना है वहां पर लोअर जो है उसके ब्रैकेट में वेंट्रल लिख दिया, और यहाँ पर अपर जो है इसके ब्रैकेट में डोर्सल लिख दिया। तो नीट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है एक्चुअल में, तो आप मान के चले कि नीट आसानी से क्रैक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप एग्जाम से पहले 25 से 30 बार हर एनसीईआरटी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो है कंसेप्चुअली उसको रीड आउट कर लें।
ठीक है। तो ये लाइनें जो है ना एनसीईआरटी की आपके दिमाग में नाचनी चाहिए। आप अक्सर बोलते हो ना सिली मिस्टेक होगी, सिली होगी, वो आपके माइनर पेपर में तो सिली होती है, बाद में वो सिल्ला बन जाती है, फिर वो बड़ी हो जाती है। हाँ, बड़ी हो जाती है फिर वो। तो चले आगे, तो आंसर कौन सा चला गया? वेंट्रल और डोर्सल आना चाहिए, वेंट्रल एंड डोर्सल फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। चले आगे जी सर। करेक्टली मेज्ड पेयर इनसे पूछा हुआ है, तो हाइड्रा और शार्क जो है बाइलेटरल सिमेट्री दिया है, तो शार्क के लिए तो कैसे प्रश्न है? बिल्कुल, हाइड्रा के लिए रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री जी। फिर अमीबा और सी अर्चिन जो है वो एसिमेट्रिकल दे रखा है, अमीबा के लिए तो कह सकते हैं, अमीबा के लिए, लेकिन सी अर्चिन जो है वो एसिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल नहीं है। सी अर्चिन किस फाइला से बिलोंग करेगा? जो आपका जो है इकाइनोडर्मेट, जिसमें लार्वा बाइलेटरल है और वो पेंटामेरस रेडियल है, वो रेडियल हो जाएगी पेंटामेरस। नेक्स्ट, फिर टैपवॉर्म और ऑक्टोपस जो है उसके लिए रेडियल सिमेट्री दी हुई है, हालांकि दोनों ही जो है बायलैटरल हैं। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू फाइला मोलस्का एंड टैपवॉर्म बिलोंग्स टू फाइला प्लेटी, तो दोनों ही कैसे हो गए बायलैटरल जी सर। जेलीफिश और स्टारफिश के लिए जो है वो रेडियल सिमेट्री दी है, जेलीफिश सुनील जी ऑरेलिया है और सिलेंड्रेट का मेंबर है, रेडियल सिमेट्री स्टारफिश जो इकाइनोडर्मेट्स है, हालांकि लार्वल स्टेज में बायलैटरल थी, बच्चों को काफी बार बताया है, बिल्कुल एडल्ट स्टेज में पेंटामेरस। अगर क्वेश्चन में, यहां पर गौर से सुने, अगर क्वेश्चन में नहीं देख कुछ भी तो अपने को एडल्ट फॉर्म ही माननी होती है। हाँ। क्योंकि लार्वा के लिए अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, लार्वल फॉर्म जरूर दी जाएगी, तो आंसर इसका फोर्थ चला जाएगा। यही पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें, ल्यूकोसोलिनिया पोरिफेरा हो गया, ये सिलेंट्रेटा, ठीक है, अमीबा प्रोटोजोआ हो गया, तो पहले जैसे कल सुनील जी बात भी की थी कि एक तरफ पहले प्रोटोजोआ थे, बिल्कुल, उनसे फिर मेटाजोआ इन्वॉल्व हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और मेटाजोआ जो है वो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, फिर मेटाजोआ से पैराजोआ और यूमेटाजोआ, पहले अपन को प्रोटोजोआ देखना है, मतलब अमीबा। ये गलत हो गया, ये कहां पे आना चाहिए था, स्टार्टिंग में आना चाहिए था। आगे देखें, एस्केरिस के बाद में अमीबा, नहीं, अमीबा सबसे पहले आना चाहिए था, अमीबा के बाद में ल्यूकोसोलिनिया पोरिफेरा, हाइड्रा सिलेंट्रेटा, एस्केरिस एस्केलमिंस, इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर बताया गया है। यहां पर आप देखें हाइड्रा के बाद में एस्केरिस सही है, एस्केरिस के बाद में ल्यूकोसोलिनिया ना, ये तो पोरिफेरा में आ जाएगा, लास्ट में इसको दे दिया, हां लास्ट में इसको दे दिया, तो ये वैसे गलत हो गया। तो कह सकते हैं इनका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी यही है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ही पूछा गया है कि पहले कौन आता है उसके बाद कौन इवॉल्व हुए थे, कि पहले सिंपल आए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अपन ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में टिश्यू आया, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स होते हैं जी, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन कॉम्प्लेक्स होती है, ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट होना पड़ा, कंडीशन क्रिटिकल थी, एग्जैक्टली ये नेचुरल सिलेक्शन में आगे चलकर पड़ेंगे, अडेप्टेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लाना इनके लिए जरूरी हो, बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि एक्सेप्शनली कई बार जो ज्यादा डेवलप फॉर्म थी वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल अपन इकाइनोडर्मेट्स में देख लेते हैं ना, बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि लोअर ग्रेड ऑफ फाइला के, लोअर ग्रेड वाले हो गए, और इतना मतलब इसको अपन अपर नॉन कोडेट कहते हैं, उसमें होने के बावजूद भी जो है इसके अंदर डीजनरेटिव फीचर ही है, डीजनरेटिव फीचर है, कुछ एक फीचर ऐसे हैं जो कि कैसे हैं लोअर फाइला से बिलोंग करते हैं, उनके जैसे फीचर कहलाते हैं। बड़े आगे जी, रेडियल सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें देखी जाएगी, रेडियल, रेडियल मींस बायलैटरल है, ये गलत, सिलेंट्रेट रेडियल है जी, एस्केल मींस बायलैटरल है, एनेलिड बायलैटरल है, और इकाइनोडर्मेट रेडियल सिमेट्री है, इसका मतलब बी और ई, बी एंड ई जी सर, आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ चला जाएगा। सुनील जी, जब इवोल्यूशन हुआ तो देखो कि सबसे पहले नेचर ने जिन एनिमल को इवोल्व किया, स्पॉन्ज जो थे वो एसिमेट्रिकल थे, साइल थे, एक जगह ठीक है बड़ी रहते थे, फिर जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सिलेंट्रेट इवोल्व हुए उन्हीं से, तो उस सेसाइल मतलब एसिमेट्रिकल से उनके अंदर कुछ रेडियल सिमेट्री आई, अभी वो ज्यादातर सेसाइल ही थे, तो सेसाइल लाइफ में उन एनिमल को अपने हैबिटेट के अंदर हर तरफ से हैबिटेट को सेंस करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, किधर से भी प्रेडेटर का अटैक हो सकता है, और वो तो सेसाइल है, फिर फूड के लिए जा थोड़ी सकते हैं, तो अगर कोई भी सेंसरी ऐसे पार्ट उनके बॉडी के चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो फिर उनको अडेप्टेशन हो जाएगा, ये उस सेसाइल लाइफ में प्रॉपर अडेप्टेशन उस रेडियल सिमेट्री की वजह से उनका हो जाता है, बिल्कुल, हर एनवायरनमेंट हर डायरेक्शन से
एनवायरमेंट को फूड के रेस्पेक्ट में और प्रेडेटर के रेस्पेक्ट में प्रॉपर सेंस कर पा रहे हैं, प्रॉपर्ली सेंस कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चों को एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेडियल सिमेट्री है वो कौन से हैबिटेट का अडैप्टेशन है। बिल्कुल, सेसाइल के, सेसाइल लाइफ फॉर्म जो है उसके लिए कौन सी हैबिटेट, कौन सी अडैप्टेशन जो है ज्यादा बेनिफिशियल है, तो रेडियल सिमेट्री उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, कोई प्रीडेटर आ रहा है, कोई भोजन इसका आ रहा है, तो वो इसको इक्वली जो है वो डिटेक्ट कर सकता है इक्वल मार्जिन ऑफ। बिल्कुल, फिर सुनील जी, इनसे बाई रेडियल हुई और फिर बायलैटरली वो लोग हैं, बायलैटरली और बाई रेडियल भी जो है तो तीनों फोर फ्री स्विमिंग फॉर्म है, फ्री स्विमिंग फॉर्म बाई रेडियल हुए। बिल्कुल, और फिर उनसे बायलैटरली वो लोग हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री के लिए भी एक बढ़िया क्वेश्चन बच्चों को पूछा जा सकता है कि बायलैटरल सिमेट्री इज एसोसिएटेड विद, तो भाई पहले तो एनिमल जुड़े हुए थे, फिर वो पानी में फ्रीली स्विमिंग करना शुरू कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बिल्कुल, तो उस डायरेक्शन में उनका हेड बना, हेड रीजन जहां पर न्यूरॉन्स कंसंट्रेटेड होती है, जी, सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन वहां पर पाया जाता है, और मोस्ट ऑफ दी सेंसरी पार्ट जो है वो उनके हेड रीजन पे मिलेंगे, तो बायलैटरल सिमेट्री बेनिफिट हो गया, ज्यादा बेनिफिट, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन से कोई इनकमिंग प्रेडेटर, बिल्कुल, और फूड को इजीली सेंस कर सकते, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्री स्विमिंग के लिए अगर पूछे तो आंसर बायलैटरल चला जाएगा, और सेसाइल फॉर्म के लिए पूछे तो आंसर रेडियल हो जाएगा। तो ये दो बढ़िया क्वेश्चन इस पे, नो डाउट, बहुत ही शानदार, थैंक यू सर, बढ़े आगे चलिए जी सर। फेशियोला हिपेटिका जो है वो एक डाइजेनेटिक एंडोपेरासाइट है, और इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो ये शीप अकॉर्डेड, और इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल है। सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट भी स्नेल जी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, और इसका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर एक स्टेज होती है मीरासीडियम, मीरासीडियम वो सेकेंडरी होस्ट को पेनिट्रेट करके उसकी बॉडी के अंदर एंट्री करती है, फिर वो अलग अलग लार्वल स्टेज बनाती है। जी जी जी, तो इसमें पूछा गया कि स्नेल इज, तो स्नेल के बारे में पूछा कि किस टाइप का जो है होस्ट है, तो अपना सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी, सेकेंडरी होस्ट हो जाता है। जी जी, यहाँ पर एक रिजर्वोयर होस्ट और दे रखा है। इस रिजर्वोयर होस्ट का मतलब होता है बच्चा कि वो होस्ट जो एक्चुअल में ट्रांसमिशन करवाता ही नहीं है, ठीक है, कोई भी डिजीज कोजिंग जो पैरासाइट है, कोई भी फॉर्म है, उसका ट्रांसमिशन वो नहीं करवाता है, एक्चुअल में उससे ट्रांसमिशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ कि जैसे सोइल है, सोइल में कोई इन्फेक्टिव कोई भी फॉर्म पाई जा रही है, तो वो एक लिविंग फॉर्म तो नहीं बनी ना सोइल, तो वो खुद जो है वो ट्रांसमिट नहीं करती है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार के होस्ट को क्या कहा जाता है, रिजर्वोयर कहा जाता है, उसने रख रखा है उसको, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर उसको फैला नहीं रहा, मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम है उसके लिए, बिल्कुल वहां पर रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रिजर्वोयर होस्ट कहलाता है। अब फिर तो भाई उस सोइल पे, सोइल से मान लो कोई हाउस फ्लाई है उसके ऊपर बैठी है, तो उससे चिपक के वो जा सकता है, उससे चिपक के जा सकता है, कहने का मतलब सोइल जो है वो खुद मूव करके नहीं गई है। तो सुनील जी, फिर इनको अपन डिजीज में बच्चों पढ़ाते वेक्टर, हाँ वेक्टर, तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फॉर्म्स होती हैं, लाइफ फॉर्म जो डायरेक्टली डिजीज को कोज नहीं कर रहे, लेकिन डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सुनील जी, अपन बच्चों को ये भी बताते कि जो वेक्टर है एक फिजिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाउस फ्लाई है तो उसने एस्केरिस के अंडों को अपनी बॉडी से चिपकाया, बिल्कुल, और फिर वो अपने किचन तक आई, मान लो अपने फूड को कंटामिनेट कर, तो ये फिजिकल वेक्टर, फिजिकल वेक्टर, बायोलॉजिकल वेक्टर तो ये नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम की अपन बात कर लें, एनोफिलीज, ये तो खुद पॉजिटिव एजेंट हो गया जी। बिल्कुल, और प्लाज्मोडियम जो है वो एनोफिलीज के अंदर है, एनोफिलीज के अंदर है, और उसके अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर, लाइफ साइकिल, तो ये बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल वेक्टर बन गया। ठीक है, बहुत ही शानदार नॉलेज बच्चों को मिला, थैंक यू, चले आगे। जी सर जी, रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीडोब्लास्ट, के बाद में टीनोफोर्स आते हैं, टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसका मतलब टीनोफोर के लिए पूछ रहा है, टीनोफोर के लिए पूछ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन जब भी आएगी बच्चों टीनोफोर आके भी है, इकाइनोडर्मेट भी हो सकता है, हां इकाइनोडर्मेट भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी रेडियल सिमेट्री है, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट, तो इसका मतलब ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो दोनों टीनोफोर हो, हां या दोनों इकाइनोडर्मेट हो, या एक टीनो और एक इकाइनो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर ओरिलिया पैरामीशियम, यहां पर पैरामीशियम को हटा दें आप, ठीक है, हाइड्रा स्टारफिश, तो ये सिलेंट्रेटा हो गया, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, इसमें पाया इसमें जाता है, उसको भी हटा सकते हैं, हाँ। ओरिलिया को भी, जेलीफिश, हाँ जेलीफिश को भी हटाया जा सकता है, इसमें होते हैं, इसमें होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हाइड्रा में जो है रेडियल सिमेट्री है, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट नहीं है, नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस यहाँ पर इसके अंदर देखी जाएगी, रेडियल, बिल्कुल। सीपिया और सी एनिमोन, तो यहाँ पर जो है सी एनिमोन की बात कर लें, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखें, टीनोफोरा और प्लूरोब्रैंकिया, दोनों ही जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले आगे, तो आंसर हो जाएगा, तो आंसर अपना फोर्थ चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना।
मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर, सबसे पहले बने वही पूछ, हाँ सबसे पहले बने और सबसे मल्टी सेलुलर कौन से हो गए, प्रोटोजोआ के बाद में दूसरे मेटाजोआ के अंदर जितने भी थे वो सारी मल्टी सेलुलर ही थे अपने आप में। तो सबसे पहला कौन सा कहलाएगा, पोरीफेरा आंसर चला जाएगा अपना। जी सर जी ये तीन सर। फिर अगला जो है 79 पूछ रहा है ओड एनिमल पूछ रहा है सुनिए। तो जैसे सी कुकुम्बर है, फिर सी अर्चिन है और ब्रिटल स्टार है। इसको एक बार मैं थोड़ा सा रोकूं, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन एग्जांपल को सीधा फाइला से रिलेट करना होता है जी, और फाइला के अकॉर्डिंग फिर ओड निकालना होता है, जी वही है जी सर। तो सुनील जी ये तीनों ही जो है वो आपके इकाइनोडर्मेट्स हो गए, इकाइनोडर्मेट है तीनों ही, सी कुकुम्बर कुकुमेरिया, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, ठीक है, वो वाला आपका सी एनिलिट, सी हेयर मोलस्क कहला, सॉरी मोलस्क, मोलस्क कहला गया। और सी हेयर जो है ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, मोलस्क से, ठीक है बिल्कुल। तो ऑड वन कौन सा हो जाएगा, ऑड वन थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। चले आगे जी। इन विच इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट, तो अपने को पता है पोरीफेरा में तो इंट्रा है और उसके बाद सिलेंट्रेटा में जो ही गए तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तो एक्स्ट्रा हो गया और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होने के बाद इंट्रा हो गया और टीनोफोर में भी ऐसा ही, हां टीनोफोरा में भी ऐसा ही, मेरे को दोनों देखने हैं बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोनों अगर नहीं है तो कुछ नहीं तो नो डाउट लकीली जो है यतेंद्र सर ने जैसा कहा वो दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में से दिए, टीनोफोरा भी दे रखा है सिलेंट्रेटा भी दे रखा है, सिलेंट्रेट फोर चला जाएगा इसका करेक्ट आंसर जी। बढ़े आगे जी 81 जी सर। स्टूडेंट हैज आइडेंटिफाइड ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है मतलब इसके बाद मतलब अपने को देखना है प्लेटी से देखना है। अब सिलोमेट दे दिया मतलब प्लेटी को और एसी को अवॉइड करना है, एनेलिडिस एनेलिडिस से बात करेंगे। और सेगमेंटेड एनिमल इसका मतलब है कि अपने को मोलस्क का और इकाइनोडर्मेट को स्किप करना है, स्किप करना है, अनसेगमेंटेड बिल्कुल बिल्कुल है ना। एज एन ऑर्थोपोड की बात कर रहा है, ऑर्थोपोड और ऑलरेडी डिटेक्ट कर रखा है जी 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 जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कैरेक्टर शुड हैव वेरीफाइड बिफोर आइडेंटिफाई दैट एनिमल इज एन ऑर्थोपोड। तो सुनिए जी ऑर्थोपोड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बच्चों को वही इसमें फाइंड आउट करना है, वही टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन और इसके अलावा जॉइंटेड अपेंडिजेस जी जी। तो ये जो है अपने को इसमें देखना, विंग्स तोरों में भी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको तो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे बिल्कुल। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बिल्कुल दिया है, सिलोम टाइप ऑफ सिलोम साइज जो है तोरों में भी है, ओरों में भी है, टाइप ऑफ सिमेट्री भी नहीं, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का तीनों में साइज हुई है। इसके अंदर जो परफेक्ट आंसर है वो काइटिनियस एक्सो। तो बच्चों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा, ठीक है सुनील जी। इसमें आगे एक क्वेश्चन आला कि वो आगे आएगा, फिर भी अभी अपन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन दिया तो उससे रिलेट कर लीजिए जी जी जी। कि जैसे पूछ आया हुआ क्वेश्चन कि विच करेक्टर इज या विच फीचर इज रिलेटेड या रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपोड्स, कि अर्थ पे इनकी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ी क्योंकि अडेप्टेशन प्रॉपर था बिल्कुल, क्योंकि ये एक्वेटिक फॉर्म से जो इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म पर आए तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की उनसे प्रिवेंट करने के लिए इनके पास क्या पाया जाता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और ये इनकी बॉडी से ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन में वाटर के लॉस को भी रोक रहे हैं, वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट। दूसरा इंटरनल जो सॉफ्ट विसरल ऑर्गन है उनकी प्रोटेक्शन भी करवा, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन भी, बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये डाइवर्सिफाई हुई बिल्कुल 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 है ना। तो चलते फिर आगे चले आगे, क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा जी। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी ऑफ एन इनवर्टिब्रेट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनिमल व्हिच हैज दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान। तो नो डाउट देखते ही पता लग रहा है अपने को ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म कहला गया और ये इसकी मेजोडर्म बन जाती है, सॉलिड नजर आ रही है बिल्कुल, और ये गट रीजन बन गया। तो सॉलिड मेजोडर्म किसमें पाई जाती है, प्लेटी एलिमेंट्स, प्लेटी एलिमेंट्स हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लें, प्लेनेरिया प्लेटी एलिमेंट्स है, एनसाइक्लोस्ट्रोमिया एसके एसके हम कहा था इसको, पेरेडिमा एनेलिडा हो गया और नेरिज एनेलिड हो गया, आंसर अपना वन हो जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। अरे ओके, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलो इन्होंने तो इस क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम दे दिया, अब आपको जो है ए लेबल कर देता, बी लेबल कर देता, सी लेबल कर देता, इनको अगर पहचानना होता तो जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हैं उनको भी बच्चे जो है वो प्रॉपरली फोकस कर लें जी, लेबलिंग याद होनी चाहिए, हां लेबलिंग याद होनी चाहिए आपको। चले आगे जी। जी सर, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल दिया है, पहला सिल्वर फिश, एक प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट है और बुक्स वगैरह भी रहती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन सी फिश नहीं है, कौन सी फिश नहीं है, तो बच्चा ये सोचता है कि ये तो फिश लगा हुआ है, ये तो फिश है लेकिन ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, इसका नाम भी आप याद रखें लैपिस्मा,
लैपिस मार सिल्वर फिश। दूसरा सुनील जी, इस इंसेक्ट में डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस में अब्सेंट होती है, अब्सेंट होती है। कुछ फीचर है जो बच्चे इसमें सिल्वर फिश के लिए याद रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्कॉर्पियन जो है स्पाइडर के साथ अरेक्निड का मेंबर है, अरेक्निड आगे ऑर्थोपोड है, ये भी ऑर्थोपोड है, ये भी ऑर्थोपोड है, लेकिन क्लास अलग अलग है। कल भी इनके लिए आपको बताया था कि एंटीना यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, अरेक्निडा क्लास में अब्सेंट। और ये ऑर्थोपोड में पहली क्लास क्रस्टेशियन का मेंबर है, ये भी ऑर्थोपोड हो गया, और हनी भी इंसेक्ट है। तो विच इज द कॉमन करेक्टर अमंग ऑफ दीज एनिमल, मतलब सुनील जी कि सारे ऑर्थोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, और सबका कॉमन देखना है, कॉमन देखना है, या तो जॉइंटेड अपेंडिजेस हो सकता है, बिल्कुल, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की बात हो सकती है, बिल्कुल। जैसे अब इसमें देखते हैं ना, सिक्स लेग हेक्सापोडा, तो वो तो केवल इंसेक्ट का होता है, ठीक बात है, क्योंकि स्पाइडर और स्कॉर्पियन ऑक्टापोडा है, ऑक्टापोडा है, आठ पैर होते हैं या फोर पैर, ठीक है, इंसेक्ट जो है जितने भी उनके अंदर थ्री पेयर होते हैं, थ्री पेयर हो, तो वैसे सारे ऑर्थोपोड का करेक्टर ये भी नहीं कि उनके अंदर जो है छह पेयर हो, बिल्कुल, इंसेक्टा के लिए अपन जो है इंसेक्टा के लिए हेक्सापोडा टर्म प्रॉपर्ली काम में ले सकते हैं जी। तो इसमें सबके लिए कॉमन देख रहे हैं, तो कंपाउंड आई की अगर बात करें तो सबके अंदर कंपाउंड आई नहीं है, बिल्कुल, और पॉइजन ग्लैंड जो है वो स्कॉर्पियन से लेकर कह सकते हैं। कंपाउंड आई जो है ये वर्ड प्रॉपर्ली इंसेक्टा के लिए ही काम, इंसेक्टा के लिए, बाकी क्रस्टेशियन में भी है जी, जी, जी। फिर काइलोपोडा डिप्लोपोडा के अंदर सिंपल है, सिंपल आई प्रेजेंट है, इंसेक्टा में कंपाउंड है, बिल्कुल है ना, तो सब में कंपाउंड नहीं है जी, जी, जी। तो कंपाउंड आई को भी सुनील जी फिर अपन सबके लिए पूछ रहे तो नहीं लेंगे, एप्लीकेबल नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस अभी भी डिस्कशन किया, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज, इसमें तो लार्वा होता ही नहीं, होता ही नहीं, एब्सेंट है। यहाँ पर ये चीज जरूर याद रखनी है आपको, लार्वा एब्सेंट जी, लार्वा एब्सेंट नहीं पाया जाता है लार्वा यहाँ, तो ये भी सब में कॉमन नहीं। हाँ, जॉइंटेड लेग दे रखा है ना, और ये इस फाइलम का करैक्टरिस्टिक्स फीचर है, और तो पोडा नाम से पहला, बिल्कुल बिल्कुल, आर्थ्रोज का मतलब जॉइंटेड और पोडा का मतलब लेग कहलाती है। तो बढ़े आगे जी, तो आंसर चला गया अपना ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 रहेगा, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड एंडोस्केलेटन इज फाउंड बाय कैल्केरियस ओसिकल इज द करैक्टर ऑफ विच फाइला। कल भी ये अपनी बात हुई थी कि बॉडी अनसेगमेंटेड है, एंडोस्केलेटन कैल्केरियस कहलाएगा, और ऐसा किसमें देखा जाता है, इकाइनोडर्मेट्स हो जाएगा, बिल्कुल। तो एंडोस्केलेटन कल बताया भी था, और इसी में ही कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन जो है वो मोलस्क में देखा जाता है, कैल्केरियस। थोड़ा सा सेगमेंटेशन के लिए बच्चों को बता देते जी, जी बिल्कुल बताएं कि सुनील जी अपन बताते कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसमें बॉडी बाहर से भी जो है डिवाइडेड है, अंदर से भी डिवाइडेड है, बिल्कुल, और कुछ ऑर्गन का सीरियली रिपीटेशन भी उनके अंदर हो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और ये करैक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो इनिशियली एवोल्यूशन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए इनिशियल फाइला में उनमें नहीं था, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टेनोफोर, इवन प्लेटीएलमेंथीज, इनमें भी ये फीचर नहीं है, इनमें भी नहीं था। इसमें टैपवर्म में अपन सुडो सेगमेंटेशन की बात करते हैं, बाकी वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं, उसमें है ना हर सेगमेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल ठीक बात है, और वो केवल रिप्रोडक्शन के टास्क के लिए, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन उसमें नहीं है। फिर एस्केलेमेंथीज, उसमें भी अपन नहीं बताते, सुपरफिशियल की बात, सुपरफिशियल केवल सरफेस पे रह जाता है, सरफेस पे रह जाता है। और फिर एनलिडा सबसे जबरदस्त टाइप का, मतलब क्लियर कट मेटामेरिक सेगमेंट, मेटामेरिक सीरियली रिपीटेड यूनिट्स पाई जाती हैं, और जो अर्थवर्म में पाई जाने वाली ये जो यूनिट्स हैं इनको एनुलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, या अपन सेगमेंट के लिए मेटामर्स मेटामियर्स कह सकते हैं, मेटामेरिज्म फिनोमेना हो गए, मेटामेरिज्म फिनोमेना। तो एनलिड्स हो गए आपके, ऑर्थोपोड्स हो गए, ऑर्थोपोडा हो गए, लेकिन मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा हेमिकोर्डेट अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी कहलाती है, और देयर आफ्टर कोर्डेटा की अगर बात करें और फिर यहां पर जो है वो सेगमेंटेड हेड हो गया, नेक हो गया, थोरैक्स, ये सेगमेंटेशन। उसमें यूरोकोर्डेट में जरूर अपन अनसेगमेंटेड बताते हैं, फिर जो सब फाइलम सिफेलो और वर्टिब्रेट वो सेगमेंटेड, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बच्चों को यही याद रखना की नॉन कोर्डेट में पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोर, प्लेटी, एसके, ये अनसेगमेंटेड है, ये अनसेगमेंटेड कहलाते हैं। तो यतिंद्र सर ने एक सार निकालकर, बटन निकालकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, बस यही मान के चलो क्लासिफिकेशन में रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो बटर है ना, चलो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद में इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको आप जो है वो निकाल, वो बच्चे सारे फाइलों वाइज कंपेयर कर करके याद रख सकते हैं, कंपेयर करके बिल्कुल ठीक बात है, चले बिल्कुल। थैंक यू। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी गिवन एनिमल हैव डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब सुनिए जी, बच्चों को इसमें देखना है पोरीफेरा, सिलेंट्रेट और टिनोफोर, टिनोफोर है ना, तो ये तीनों जो है ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो एस्केरिस की बात करें, एस्केरिस हो गया,
ये हो जाएगा फाइसेलिया पोर्टियोज मैन डिप्लो है, ये डिप्लो हो जाएगा, ये भी डिप्लो, ओबेलिया सीफेन गोर्गोनिया वो चेरेरिया, ये ट्रिप्लो हो जाएगा, ये एस के हेलमिथ से बिलोंग करता है, ठीक है। प्लेनेरिया की बात करें ट्रिप्लो, सॉरी प्लेनेरिया प्लेटी हेलमिथ डिप्लोब्लास्टिक हो गया। टीनिया सोलियम की अगर बात करें तो प्लेटी हेलमिथ हो गया, ये गलत हो गया अपना, और प्लूरो ब्रेंकिया की ये टीनोफोरा में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब कितने डिप्लो हैं, 1 2 3 4 और 5 का मतलब ऑप्शन नंबर 7 चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया पोरीफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों को। अब इसके लिए देखो अगर एग्जांपल याद नहीं है तो कैसे करेंगे। हाँ, तो ये क्लासिफिकेशन का सबसे पहला जो आपको लक्ष्य करना है, सबसे पहला टारगेट जो है वो इनके एग्जांपल और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको याद रखना, क्योंकि बिना एग्जांपल के करेक्टर याद है, एग्जांपल याद नहीं तो कैसे करते हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चले आगे। जी सर, जी सर। कॉलम वाला क्वेश्चन है, मैचिंग वाला, कि एनिमल को जो है कंपेयर, मतलब उनकी स्ट्रक्चर से जो है कंपेयर करना। तो नेफ्रिडिया सुनील जी एनेलिड का फीचर है, और यहाँ पर एनेलिड है, मेलिस हो गए। जी सर। और फिर प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल दोनों दिए हैं, तो जैसे फ्लेम सेल डायरेक्टली अपन प्लेटी एलिमेंटीज के लिए यूज करते हैं, हालांकि वो प्रोटोनेफ्रिडिया ही है, तो अब क्योंकि दोनों दे दिए हैं और यहाँ पर ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें दोनों होते हैं, तो फ्लेम सेल को जनरली अपन प्लेटी के लिए बताते हैं, तो उसी से रिलेट करते हैं। इसमें कोई प्लेटी एलिमेंटीज का मेंबर प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हो गया, तो फ्लेम सेल के लिए सर आप लिख दीजिए सी के पास 5। ये 5 आ गया जी। अब सुनील जी, कॉर्डेट में सब फाइलम जो सेकंड है सिफेलोकॉर्डेट, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर अपन बच्चों को बताते हैं कि उनके लिए उनमें एक्सक्रीशन के लिए जो है प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट जो प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं वहां पर, तो ये कॉर्डेट का में भी, और पीछे ये नॉन कॉर्डेट प्लेटी एलिमेंट्स में देखा ही जा रहा है, तो इसको एम्फियोक्सिस को सुनील जी अपन जो है प्रोटोनेफ्रिडिया से रिलेट कर देंगे, ये अपना 4 हो गया। फिर मेल्पिगन ट्यूबुल इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, क्यूलेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 5 1 2 4 5 1 ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 2 2 4 5 1 ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी गिवन एनिमल हैव रेडियल सिमेट्री, तो वही है एग्जांपल याद रखने हैं, मतलब ये देखना है कि सिलेंट्रेट इकाइनोडर में और इकाइनोडर में, इसमें आपने जैसे बताया कि ना वो लार्वा अडल्ट नहीं देखना है, हाँ, सीधा रेडियल पूछा है। बिल्कुल, अगर लार्वा के लिए अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन में लार्वा आपको जरूर देगा। पहला की बात करें मोलस्का है तो नहीं होगा, ऑक्टोपस की बात करें मोलस्का है नहीं होगा, फेशियोला की बात करें प्लेटी हेलमिंथ है नहीं होगा, टीनोप्लाना टीनोफोरा है, ओरिलिया सिलेंट्रेट है, इकाइनस इकाइनोडर्मेटा है, एंटीडॉन इकाइनोडर्मेटा है, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार बोला इसको, जी जी। ये कैसा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेट हो जाएगा। तो कितने करेक्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 का मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा, 5। एक ही फंडा है भैया, एग्जाम्पल तो याद है करने पड़ेंगे, क्या उसका चूर्ण है आपके पास में? मेरे पास एग्जाम्पल का ये है कि प्रैक्टिस से अगर करें तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल, और प्रैक्टिस केवल तभी हो सकती है जब इनको आप याद करो, किताब को बंद करके कॉपी में नोट डाउन करो, जो याद नहीं होता है उसको वापस किताब खोल के अप्रोच करो। जी जी बिल्कुल, मतलब ये है कि सुनील जी अगर याद भी कर लिया तो मान लो अच्छे से याद हो गया तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में बच्चों रिपीटेशन रिवीजन जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो रिवीजन कर लेंगे तो वो याद रह जाए। अक्सर अक्सर कहा भी जाता है ना इसके लिए, रोटी जली क्यों, क्योंकि उसे पलटा नहीं गया, पलटा नहीं गया, तवे के ऊपर रोटी डाल दी आपने भैया, अगर उसको नहीं पलटोगे ना टाइम पे तो फिर वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। जी ऐसे ही एक गांव की एक और बात है कि घोड़ा अड़ा क्यों, अगर घोड़े को लगातार आप खूंटे पे बांध के रखोगे ना तो वो अड़ जाएगा, चलने का नाम ही नहीं लेगा, नाम नहीं, इसलिए टाइम टू टाइम उसको भी खोलना जरूरी होता है। रोटी जली क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि उसे समय पे नहीं पलटा गया और एग्जाम्पल याद हुए नहीं, क्या कारण है, समय पे वापस रिवाइज नहीं किया गया। चले आगे, नो डाउट, शानदार। जी सर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है प्लेटी एलिमेंटीज के लिए, तो हुक्स और सकर्स जो है वो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, सुनील जी सही बिल्कुल पाया जाता है, फ्री लिविंग अगर है जैसे प्लेन एरिया तो उसमें नहीं है, बाकी पैरासाइटिक फॉर्म का करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक फीचर है पैरासाइटिक फॉर्म का, हुक्स का भी पाया जाना जो अटैचमेंट में है, अटैचमेंट और सकर का पाया जाता है। जी और फिर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल, और इनका जो लाइफ साइकिल है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पैरासाइट होते हैं इनको, प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट,
तो इनके जो लाइफ साइकिल में काफी कॉम्प्लेक्स है, कई इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज होती है कॉम्प्लेक्स टाइप की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि लिखा है कि दे हैव मेनी लार्वल स्टेज ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, सही बात है, बिल्कुल ठीक। काफी सारी डेवलपमेंट स्टेज के दौरान लार्वल स्टेज होती है, जैसे फेस्टिवल की अगर बात करें, जैसे मीरा सीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, डॉटर रेडिया, सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया, तो काफी सारी ये स्टेजेस में खूब सारे लार्वल फॉर्म यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। उसके लिए टीनिया के लिए अगर देखें तो आपका ओंकोस्फियर, हेक्साकेंथ, बिल्कुल, है ना? और उसके बाद में ब्लैडर वॉर्म जिसको सिस्टी सर्कस लार्वा बोलते हैं, जो अपने अंदर एंट्री करता है। तो काफी सारी डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेंबर है वो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, सभी में नहीं होती लेकिन कुछ में होती है, जैसे आपका प्लेनेरिया जिनको कहा था अपन, टर्बिलेरिया क्लास का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर फर्टिलाइजेशन जो वो इंटरनल होता है, ये भी सही, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर तो फिर जो है करेक्ट पूछ रहे हैं और करेक्ट के अकॉर्डिंग सारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी ई करेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर सुनील जी थोड़ा सा बच्चों को इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पैरासाइटिक अडेप्टेशन क्या क्या है, ठीक है ना, प्लेटी एडवांटेज में। तो इनको होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करना होता है, बिल्कुल। तो वहां पर गट की वॉल से अटैचमेंट के लिए इनको हुक्स चाहिए, हुक्स की प्रेजेंस जरूरी है, और फूड को इनटेक करने के लिए सकर्स की रिक्वायरमेंट। इन दोनों का फंक्शन याद रखना है, अटैचमेंट में हेल्प करेगा और फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इसमें जो सकर्स है ना, अगर अपन उसकी बात करें फेस्युला हिपेटिका, जी तो सुनील जी फेस्युला हिपेटिका में जैसे एक तो ओरल सकर हो गया, बिल्कुल, और एक वेंट्रल सकर होता है सुनील जी, तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा होता है, तो इसका टास्क तो दोनों हो गया, बिल्कुल, अटैचमेंट एज वेल एज सक्शन ऑफ फूड। और इसका टास्क जैसे सर ने बताया ओनली अटैचमेंट का हो गया, अटैचमेंट का, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे दे कि वेंट्रल सकर का क्या फंक्शन होता है, तो वहां पर अगर ऑप्शन साथ में आ जाए ना कि ये फूड इंजेक्शन में भी या फूड के अपटेक में हेल्प करता है अटैचमेंट में, तो फिर आंसर केवल अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट चला। अच्छा, टीनिया की बात करें तो जो टीनिया का कॉनिकल जो हेड होता है, तो उसमें फोर हेमिस्फीयर पे, चारों हेमिस्फीयर पे, जैसे ऊपर से अपर व्यू, ये तो लेटरल व्यू है, जैसे अपर व्यू में देखें तो चारों हेमिस्फीयर पे चार सकर्स होते हैं उसमें, बिल्कुल चार, चार सकर है नहीं इसमें, अब्सेंट है। और इसके सेंटर में जो है यहाँ पर हुक्स होते हैं दो लेयर के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, इसको रोस्टेलम कहा गया है, रोस्टेलम है ना। तो यहाँ पर सुनील जी अपन बच्चों को बता देते कि जो ये जो टीनिया है इसका जो हेड है, इसके जो सकर्स हैं, इसका टास्क केवल अटैचमेंट में है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों, यहाँ पर अब्सेंट है, तो इसमें हुक्स और सकर्स दोनों अटैचमेंट में इन्वॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल। और सक्शन ऑफ फूड एज वेल एज अटैचमेंट, तो ओरल सकर है, ओरल सकर फेशियोला हिपेटिका, बिल्कुल। तो एक तो अडेप्टेशन ही हो गया, क्योंकि अपनी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, बिल्कुल। और सोचो अगर टीनिया उसके साथ अगर अटैचमेंट नहीं करता तो मूव कर जाता, मूव कर जाएगा। फिर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम भी, क्योंकि अपने अंदर ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर फूड डाइजेशन होता है, बिल्कुल, गट के ल्यूमेन में, तो वहां पर जो टीनिया है उसके आसपास तो एंजाइम भी आएंगे, उसका डाइजेशन कर सकते हैं। तो होस्ट के एंजाइम उसका डाइजेशन न करें, इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर एक थिक टैगुमेंट होता है, टैगुमेंट पाया जाता है, जो नॉन परमेबल होता है एंजाइमेटिक फॉर्म्स के लिए, और वो एंजाइम जो है उनको फिर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, रेजिस्टेंट कह सकते हैं एंजाइम के। कुछ मेंबर जो है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो डायरेक्ट बॉडी की सरफेस से फूड एब्जॉर्ब भी करते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन जो बच्चों को पूछा जा सकता है कि विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन ऑफ एंडोपैरासाइट, तो वो हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की सबसे ज्यादा पावर, क्योंकि इसके अंदर फीमेल जो वो लाखों में अंडे देती है फर्टिलाइज, और वो अंडे जब बाहर जाते हैं तो उनकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है, क्योंकि अडेप्टेशन इनिशियली कैसा था, बॉडी के इनसाइड था, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में अगर पहुंच रहा है तो बाय चांस है कि कौन सा एक जो है वो होस्ट के अंदर जाए, ठीक बात, सेकेंडरी होस्ट के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए नंबर ऑफ एग बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एग बढ़ जाते हैं जी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये अडेप्टेशन, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर सबसे ज्यादा है, और अपन इवोल्यूशन पढ़ाते हैं डार्विन फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बिल्कुल, वो किसी भी इंडिविजुअल की वो एबिलिटी जिसके कारण वो मैक्सिमम प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और वो जिसकी ज्यादा होगी उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल इनका हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफी ज्यादा है। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक आपने पहुंचाई है, थैंक यू सर। चले आगे जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 89, इनकरेक्ट अबाउट सी वॉलनट, मतलब टीनोफोर के लिए, टीनोफोरा के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, समुद्री अखरोट कहा जाता है इनको, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
बिल्कुल यहाँ हाँ, टिश्यू लेवल है, हाँ देखा जाएगा। अपने से पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन हाँ बिल्कुल, डिपिट लार्वा यहाँ पर जो है पाया जाता है, कल अपन ने लिखा भी था, ये बात भी ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, सही बात है, नथिंग इज इनकरेक्ट, ये बात जो है ये क्या है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये चला जाएगा। सुनील जी, ये जो सिलेंट्रेट के बाद में जब आपके टिनोफोर इवोल्व हुए, तो हालांकि दोनों को अपन डिप्लोई बताते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो टिनोफोर है इसमें भी बच्चों को जैसे याद रख सकते हैं बच्चे, जैसे इनको बोलते हैं कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली, तो इनकी जो मेसोग्लिया है, इनको फ्रेंड्स जेली के नाम से भी जाना जाता है, जी जी, इनकी जो मेसोग्लिया है वो ज्यादा जेलेटिनियस है, जेली की तरह, जेली की तरह, थिकनेस भी ज्यादा, और कुछ उसके अंदर सेल्स भी वो होने लग गए, हालांकि इतना नहीं बताते, उसको ऐसे लोलरी बताते हैं, ठीक है, तो उसकी थिकनेस बढ़ गई और वो जेली की तरह नजर आने लग गई, इसलिए इनको जेली सॉफ्ट यूज किया, सॉफ्ट बॉडी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जेली जेली लाइक कवरिंग पाई जाती है। एक्चुअल में ये सॉफ्ट बॉडीड जो टर्म है ना, ये तो काम में लिया जाता है कौन से फाइला के लिए, मोलस्क के लिए, याद रखना सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कौन से कहलाते हैं, मोलस्क, इसीलिए उनके पास प्रोटेक्शन के लिए आउटर सेल, आउटर सेल जो है मेंटल, अभी बात की थी सर ने, डायग्राम भी बनाया था, मेंटल के ऊपर की ओर पाई जाती है वो सेल CaCO3 की, ठीक है, चले जी। क्वेश्चन नंबर 90, which of the following characteristic is probably responsible for great diversification of insect on land, ये डिस्कस किया था ये सर ने अभी पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, एक्जोस्केलेटन का पाया जाना, काइटिनियस एक्जोस्केलेटन की प्रेजेंस जो है इनको एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जी जी, ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, जी सर, करेक्ट मैच पूछ रहा है, सिलोमेट जो है तो एनलिड सिलोमेट है, हेमिकोडेट जो सिलोमेट है, सुडो सिलोमेट जो है एसके एलेमेंथीज, बिल्कुल है, फिर एस सिलोमेट प्लेटी एलेमेंथीज है, सिलोमेट है, बिल्कुल, तो इसके अकॉर्डिंग सारे करेक्ट हो जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द करेक्ट पाथवे ऑफ वाटर फ्लो इन कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा, ये आपके सामने खूबसूरत सा डायग्राम यतेंद्र सर के द्वारा, ये ऊपर की ओर जो है ये एक बड़ा पोर बनाया गया है ओस्कुलम, और बॉडी पर बनने वाले छोटे पोर्स ओस्टिया कहलाते हैं। अभी आपको जो है वाटर करंट पूरा कंप्लीटली बताया जाएगा, ये यहाँ की, तो जैसे ये तो हो गया ओस्कुलम, बिल्कुल, और ये हो गए ओस्टिया, और वाटर जो है वो ओस्टिया से मूव करके सबसे पहले स्पॉन्जोसील कैविटी या बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज इज नोन एज, क्या कहलाती है, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वाटर आने के बाद में फिर न्यूट्रिएंट देके, गैसेस देके, CO2 लेके, अमोनिया लेके ओस्कुलम से बाहर चले जाए, एग्जिट आउट हो जाता है। तो सबसे पहले एंट्री ओस्टिया से करवा दें क्या, जी जी, लेकिन ये दोनों में तो गलत हो गया जी, तो ओस्टिया से कहाँ पे जाना चाहिए, ओस्कुलम, नहीं डायरेक्ट ही क्या, स्पंजोसील में, उसके बाद ओस्कुलम से फिर आउटसाइड, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें बच्चों को कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर कोई पार्टिकल से कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको ऑस्टिया के पास रखेंगे तो वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, या ओस्कुलम के पास रखे तो कहाँ जाएगा, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर ऑस्टिया के पास उस पार्टिकल को रखा जाता है तो वो एंटर करता है स्पंजोसील कैविटी में, और ओस्कुलम के पास उस पार्टिकल को रख दिया तो वाटर करंट के साथ, वाटर फ्लो के साथ में वो बाहर की ओर मूव कर जाएगा, अंदर आ ही नहीं पाएगा, अंदर बॉडी में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड करंट है और यहाँ पर आउटसाइड फ्लो कर रहा है। चले आगे, जी जी सर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जिसको जो है फाइसेलिया कहा गया है, और ये सुनील जी फाइसेलिया जो पॉलीमॉर्फिक एनिमल है, और ये जो है एक बैलून की तरह वाटर की सरफेस पे तैरता है, मैरीन फॉर्म है ये, कॉलोनियल है, काफी सारे जूवॉइड्स जो होते हैं पॉलीफॉर्मेटोसॉइड मिलकर के इसको बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है, जूवॉइड्स जो होते हैं वो अपने टास्क को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, भाई आप न्यूट्रिएशन के लिए इन्वॉल्व होंगे, आप प्रोटेक्शन के लिए, आपसे प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग टास्क, अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं। तो इनकी जो बॉडी की अपर सरफेस है वो एक तरीके से जो है वो मेडुसोइड की तरह है, और फिर नीचे की तरफ कुछ जूवॉइड निकले होते हैं काफी सारे, और ये पॉलीफोइड पॉलिप के ही मॉडिफिकेशन है, काफी सारे टेंटिकल्स भी होते हैं, और इन पर स्टिंगिंग सेल जो है वो मौजूद होती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये जो है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये वर्ल्ड वार के दौरान यूज किया गया था, क्योंकि इसके पास जो विनमस सेल्स होती है, स्टिंगिंग सेल्स, जी जी, तो वो न्यूरोटॉक्सिक होती है, तो उसको इसको यूज करके जो है सोल्जर पे अटैक किया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा जो है अगर हम लोग देखें
तो ये एक सिलेंट्रेट का ये मेंबर है और पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में अपन कह सकते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट, मतलब एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्य का समूह है, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से अलग अलग होते हैं लेकिन एक ग्रुप में रहते हैं बिल्कुल, और अपने कार्य का बंटवारा कर लेते हैं, लेबर ऑफ डिविजन कर लेते हैं, तो इससे ओवरऑल पूरी कॉलोनी को फायदा मिलता है। ठीक बात है, ठीक बात है। और इसी को बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करे। इसमें दो इंडिविजुअल बच्चे याद रख सकते हैं, एक तो ओबेलिया और एक फाइसेलिया। ये दोनों ही क्या दर्शाते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और कोलोनियल सिलेंट्रेट, कोलोनियल सिलेंट्रेट और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। स्पॉन्ज है नहीं सुनील जी, और पोर्टुगीज सोल्जर बोला गया, पुर्तगाली सैनिक थोड़ी है, मतलब ही नहीं है। ठीक बात है, और सोल्जर फिर यहाँ पे दे दिए इसलिए गड़बड़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो चले आगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 94 रहेगा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, विशेष फीचर बताना है इकाइनोडर्मेट का। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, वो तो और भी पाए सब में होता है, सब में होता है। टू टाइप ऑफ सिमेट्री इन लाइफ साइकिल, ये भी औरों में होता है, जैसे आपका वो गैस्ट्रोपोड है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लार्वा बायलेटरल, बायलेटरल, फिर डेवलपमेंट के दौरान टॉर्शन क्रिएट होता है, टॉर्शन क्रिएट, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो टॉर्शन का मतलब है बॉडी में क्या आता है, एक रोटेशन आता है, ठीक है, तो इसे टॉर्शन कहा जाता है। Absence of excretory system in body, बिल्कुल ये जो सिस्टम है ये तो औरों में भी हो सकता है। Absence की बात कर रहे हैं तो absence औरों में भी हो सकता है। Echinodermate का character वैसे है, लेकिन अदर में भी जैसे अपन बात करें कि organ system level of organization आया ही नहीं है, और जहां पर नहीं आया वहां पर excretory system की कहां पर अपन बात करें जी जी। तो फिर अपना presence of water vascular system केवल और केवल कहाँ, इकाइनोडर्मेट। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल, एक अपन बच्चों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कैनाल सिस्टम है और ये इसके फंक्शन बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा वाला, पोरीफेरा न्यूट्रिशन के लिए इन्वॉल्व है, बिल्कुल गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व है। ठीक बात है, लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है वो एक्चुअल में मदद नहीं करेगा वहां पर जी जी। और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, गैमेट का मूवमेंट, गैमेट का मूवमेंट जो वाटर फ्रंट के साथ में, और एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है कि जो वाटर बाहर जा रहा है वो अपने साथ अमोनिया वगैरह बाहर लेके जा सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। अब इसी तरीके से वाटर वैस्कुलर सिस्टम की भी फंक्शन बच्चों को पूछ सकते हैं मोलस्क के, तो उनमें रेस्पिरेशन के लिए है, लोकोमोशन आ जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक पार्ट है, ट्यूब फिट से बिल्कुल उस एरिया से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, बिल्कुल होता है। और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ट्यूब फिट के द्वारा अटैचमेंट में हेल्प कर जाएगा, और लोकोमोशन में भी वो हेल्पफुल है, लोकोमोशन में हेल्पफुल है। बिल्कुल, तो ये कुछ इसको बच्चे फंक्शन याद, तो इनके वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनके सेपरेटली फंक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इकाइनोडर्मेटा, तो फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लाइन है, सही है, करेक्ट ही पूछा आपने, फिर भी क्रॉस चेक कर ले। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर पाया जाता है। वो बच्चों को बताया भी था अपन ने कि ये माउथ नीचे, हां, वेंट्रल और एनस का डोर्सल साइड में पाई जाती है। ये जो वेंट्रल और डोर्सल साइड है इसको एक टर्म और कहा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओरल एंड एबोरल। ओरल एबोरल, हाँ, तो जहां माउथ मिलेगा वेंट्रल साइड में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ये इसकी क्या कहलाती है, जितेंद्र सर, वेंट्रल, वेंट्रल साइड, या इसे ही क्या कहते हैं, ओरल, या इसे ही क्या कहा जाता है, माउथ प्रेजेंटिंग साइड वाला एरिया, ठीक है, ये क्या आएगी, डोर्सल हो जाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, एबोरल। अपन इसको उनके लिए भी यूज कर सकते हैं जो ब्लाइंड से रिप्रेजेंट प्लान करे है ना, जैसे हाइड्रा है तो वो सिसाइल एक जगह है, तो ये जो ओरल वाला पार्ट है जिसमें माउथ एनस दोनों ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, इसको ओरल कह सकते हैं, और जो सिसाइल वाला है उसको अबोरल एंड भी कह सकते हैं। अबोरल एंड मतलब माउथ के ऑपोजिट एंड क्या कहलाता है, अबोरल एंड, हाँ ये ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा। What is common about trypanosoma, noctiluca, monocystis and giardia? जी सर, तो ये जो हैं सारे के सारे फ्लेजिलेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्लासिफिकेशन में बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये सब फ्लेजिलेट नहीं है, जैसे आपका यहाँ पर जो है giardia फ्लेजिलेट, फ्लेजिला पाया जाता है, फ्लेजिला पाया जाता है, ट्रिपनोसोमा में भी है, बिल्कुल, ये giardia, giardia intestinalis, ठीक है, जो डायरिया होता है, डायरिया इलनेस, वो ये कोच करवाता है जी। और उसके बाद में
प्रोड्यूस स्पोर, तो उस स्पोरोजोआ से रिलेटेड है। बिल्कुल, सारे स्पोर, सारे स्पोरोजोआ नहीं है, नहीं है। बिल्कुल, और पैरासाइटिक फॉर्म भी सारी नहीं है। देखिए ये पैरासाइटिक फॉर्म है और ये पैरासाइटिक फॉर्म है, लेकिन बाकी के पैरासाइटिक फॉर्म में भी नहीं है। हाँ, नॉक्टिलुका नहीं है, लेकिन सारे प्रोटिस्ट हैं। ऑल आर प्रोटिस्ट, ठीक है, सारे ही प्रोटिस्ट से बिलोंग करते हैं। ये ट्रिपेनोसोमा जरूर याद रख लेना, इसका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका जो वेक्टर है सीसी फ्लाई, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सीसी वाला ये क्वेश्चन नो डाउट पूछा जा सकता है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस निंद्रालु व्याधि के नाम से इसको जाना जाता है। मुगरे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका जो है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज बच्चों को पूछी हुई है ना, तो इसमें सुनील जी की जो प्राइमरी होस्ट जो है, अपन इसमें कहें तो ये तो इसकी होस्ट इसमें एक ही होता है, मोनोगैमेटिक है। बिल्कुल, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलेगा जी। तो कोई इन्फेक्टेड है तो उसके एक्सक्रीटा से जो है वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो फॉर्म इसकी है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड फॉर्म, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, वो बाहर जो है मूव करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर चार न्यूक्लियस होंगे, चार न्यूक्लियाई होंगे इसमें। एक्चुअल में ये है यतेंद्र सर, अपन जैसे ह्यूमन की बॉडी के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं मैं बच्चों के रेफरेंस के लिए। हाँ, माउथ से जैसे एंटर कर गया, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये मूव करता हुआ जो है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से भी अपने आप को प्रिवेंट करना है, तो ये सिस्ट बना लेता है अपने चारों, ठीक है। सिस्ट बनाने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में पहुंचेगा, उस स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में जो है इसमें क्या होती है, डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन जब होगा तो ये क्या बना लेगा, थ्री डिवीजन एक्चुअल में ये दर्शाता है, और थ्री डिवीजन के कारण एक इंडिविजुअल एक बार डिवाइड किया दो बन गए, उसमें दूसरा डिवीजन हुआ चार बन गए, उसमें अगेन डिवीजन हुआ कितने बन गए, आठ बन गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर न्यूक्लियाई स्टेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें पहले एक न्यूक्लियस होता है, बाद में दो बने और फिर चार बन जाते हैं, फिर चार बन जाते हैं। तो प्रत्येक डिवीजन के द्वारा जो है वो न्यूक्लियाई का नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है, तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो सिस्ट स्टेज बनेगी ये एक्चुअल में कहां पहुंचती है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वहां पर ये परफोरेशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इन्फेक्टिव स्टेज पूछा कि होस्ट की बॉडी में एंट्री करे, हाँ हाँ, तो वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो सिस्ट है वो एंट्री करती है। एक सुनील जी, जैसे पैथोजेनिक स्टेज पूछ ले कि जो पैथोजेनेसिस करती है, मतलब अंदर जाकर के डिजीज कोज करती है, डिजीज कोज करती तो है, वो अलग होती है, और इन्फेक्टिव स्टेज वो अलग होती है। इसमें बच्चे वो भी याद रख सकते हैं, मैग्ना माइन्यूटा, मैग्ना एंड माइन्यूटा, ये टू सब स्टेजेस इसकी कहलाती हैं। तो जो मैग्ना है इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैग्ना कहाँ है, तो वो म्यूकोसा से जुड़ी हुई है, ठीक बात है, वो आपकी पैथोजेनिक स्टेज है, पैथोजेनिक स्टेज है जो एक्चुअली में बॉडी में पहुंचकर क्या कर रही है, और माइन्यूटा फ्री एल्यूमिनियम, बिल्कुल, और लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चले हाँ, ये माइन्यूटा वाला जरूर आपको याद रखना है। लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने वाली स्टेज कौन सी कहलाती है, माइन्यूटा कहलाती है, और पैथोजेनिक स्टेज कौन सी कहलाती है, मैग्ना कहलाती है, ठीक है। तो पैथोजेनिक और इन्फेक्टिव दोनों अलग अलग, बिल्कुल ठीक बात है। तो एंडोस्केलेटन ऑफ बाथ स्पंज इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, स्पंजिन फाइबर्स पाए जाते हैं, स्पंजिन फाइबर होते हैं भाई, इनमें पोरीफेरम में जो एंडोस्केलेटन है वो या तो स्पंजिन फाइबर का होगा, बिल्कुल, और या स्पिक्यूल्स का, स्पिक्यूल्स दो टाइप की हैं, कल भी बात की थी, मोनोहाइड्रेट की या कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल बिल्कुल। और स्पिक्यूल जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कांटों की तरह, अगर ये बात स्पॉन्ज में हो तो फिर तो ठीक बात है, ठीक स्क्रैच हो जाएंगे। स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो वाटर को अपने अंदर जो अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होती है, तो वो जो है इसमें यूज आते हैं। और आर्कियोसाइट्स जो है ये टोटिपोटेंट सेल कहलाती है, पोरीफेरा की नो डाउट से भी जानते ही है। और ओसिकल्स की मैं बात करूं तो ओसिकल्स एक्चुअल में है क्या, ये कैल्केरियस स्पिक्यूल्स हैं, ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। तो ओसिकल्स इकाइनोडर्मेटा के कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो कहां पाए जाते हैं, इसकी डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, ओसिकल्स कहलाते हैं। क्यों यतेंद्र सर? तो इकाइनोडर्मेट्स की स्किन में पाए जाने वाले कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ओसिकल्स कहलाते हैं। अपना आंसर इसका कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर स्पॉन्जिन फाइबर। बाकी उनके लिए तो बच्चे सीधे ये दिया तो नहीं होगा, लेकिन सीधा ये दिया होगा कि कैल्केरियस ओसिकल्स, कैल्केरियस ओसिकल्स, ओसिकल्स स्पिक्यूल से वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो केवल डायरेक्ट डायरेक्ट नाम भी दे सकता है, और ओसिकल्स को अगर डिफाइन करें तो इनको कैल्केरियस, कैल्केरियस ओसिकल्स, बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे, ठीक जी, the response to external stimulus is quicker and more precise in which of the following symmetry? ये भी अपनी बात हुई थी, ठीक है। तो ज्यादा quicker और more precise, अगर sessile की अगर बात कर लेता तो radial चला जाता,
और यहाँ पर मोर क्विकर और मोर प्रिसाइज क्या है, ज्यादा जो इवोल्व हो गए, इवोल्व ज्यादा डेवलप सिमेट्रिक, बिल्कुल बिल्कुल, जहां सिफिलाइजेशन आ जाएगा, हेड रीजन आ जाएगा और ब्रेन का कंसंट्रेशन या न्यूरॉन का कंसंट्रेशन एंटीरियर, जैसा आपने बताया था कि वाटर के साथ मूव करेंगे तो उस और होना चाहिए, तो आंसर अपना बायलैटरल। और इसमें ये बोल सकते हैं सिफिलाइजेशन इज रिलेटेड विद तो बायलैटरल, सिफिलाइजेशन इज रिलेटेड टू बायलैटरल सिमेट्री, लिख लेना आप लोग वहां पे, सिफिलाइजेशन इज रिलेटेड विद Which type of symmetry? Bilateral symmetry के साथ में head formation जो है वो relate होता है, ठीक है? चलें आगे। Question number 100. Flatworm have frame cell for the purpose of, तो सबको पता है किसके लिए होती है। अब बच्चा जो है इसको देखते ही उसकी आंखें जो है वो चमक जाती हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन आंसर के रूप में दिख गए हैं, लेकिन इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन भी इसका फंक्शन कहलाता है, तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन है, दोनों ही फंक्शन इसके। एक्सक्रीशन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर निकाला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन में जो सॉल्यूट है वाटर उनको बैलेंस किया, उसको बैलेंस किया जा रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उनकी बैलेंसिंग की जा रही है बॉडी में। भाई सुनील जी अपनी बॉडी में किडनी भी तो यही टास्क कर रही है, दोनों फंक्शन भी और ऑस्मोरेगुलेशन भी, दोनों ही फंक्शन कर रही है। चलिए आगे। जी जी सर, निमेटोड्स के लिए पूछा है कि एग्जिस्ट इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। निमेटोड्स सुनील जी एस्केल्मेंट्स हो गए, एस्केल्मेंटीज हैं और ये ज्यादातर पैरासाइट हैं और फ्री लिविंग फॉर्म में भी, लिविंग भी वाटर में भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, मतलब हर टाइप की एनवायरनमेंट इनके अंदर होता है ना, तो केवल एरियल हैबिटेट नहीं है। हाँ, एरियल नहीं है, तो पहला तो गड़बड़ हो गया, ऑल फ्री कर दिया। यहाँ पे एक चीज याद आ गई मेरे को, जब भी अगर सारे ही एनवायरनमेंट में पाया जाता है उसके लिए एक टर्म काम में लिया जाता है, कॉस्मोपॉलिटियन। अच्छा, तो ये कॉस्मोपॉलिटियन एनिमल नहीं है, कॉस्मोपॉलिटियन कौन से कहलाएंगे, जैसे आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड कॉस्मोपॉलिटियन, एरियल भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। और फिर मतलब पहले और दूसरे में तो ऑल फ्री लिविंग कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। और फिर थर्ड देखे सुनील जी की फ्यू आर फ्री लिविंग both in terrestrial and aquatic environment and few are endoparasite, ये औरों के comparison में सबसे appropriate answer होगा, क्योंकि चौथे के अंदर all endoparasite, all are endoparasite दे दिया, no doubt endoparasite होते हैं, लेकिन सभी के लिए endoparasitic form कहना ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो answer अपना third चला जाएगा। जी, next question में वो करते हैं 102, earthworm shows which of the following feature, तो bilateral symmetry मिलेगी earthworm में, एंटेरोसिलोमेट एनिमल नहीं, साइजोसिलोमेट है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो गया, ठीक है, विद ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होना चाहिए इसमें, तो बायरेडियल सिमेट्री ये तो अपने आप में वैसे ही गलत है, बायलेटरल सिमेट्री है, साइजोसिलोमेट है, ब्लाइंड सेक गड़बड़ हो गया, ब्लाइंड सेक की वजह से रॉन्ग हो गया, बायलेटरल सिमेट्री, साइजोसिलोमेट, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ये परफेक्ट है। तो मैंने कहा था ना एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही बना हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर कौन से लाए, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे। जी 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 सर, कुछ एनिमल्स की लिस्ट दी है ना, और फिर पूछा है कि इसमें होमियोथर्मल एनिमल क्या है ना, पहले थोड़ा सा बता दे, बिल्कुल पोइकिलोथर्म और होमियोथर्म। सुनील जी ये इवोल्यूशन की वजह से अर्थ पे आज जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों ने फाइव किंगडम में पढ़े हैं, ठीक है, तो पांचों किंगडम में अगर देखें तो सबसे मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टोथर्मिक ही है, असमतापी या पोइकिलोथर्मिक, मतलब ऐसे एनिमल जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज करे, बिल्कुल, ज्यादा तो ज्यादा कर लेंगे और कम है तो कम कर लेंगे, बिल्कुल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो अपने बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन ना करे, तापमान का नियंत्रण ना करे, मतलब कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट रखने की एबिलिटी, वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने की एबिलिटी नहीं पाई जाती, तो मोनेरा भी ऐसे हैं, प्रोटिस्ट भी ऐसे, फंजाई भी ऐसे, प्लांटी भी ऐसे, और मैक्सिमम एनिमल भी ऐसे, एनिमल में नॉन कोर्डेट भी ऐसे, और कोर्डेट में तीनों सब फाइलम में जैसे यूरोकोर्डेट भी ऐसे, सेफेलोकोर्डेट भी ऐसे, और वर्टिब्रेट में भी मैक्सिमम ऐसे ही, ऐसे ही है, केवल अगनेथा भी ऐसे, और गनेथा में जैसे पीसी जब मछलियां तो सारी मछलियां, एम्फीबिया, फिर टेट्रापोड में एम्फीबियंस, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, तक ऐसे हैं, एक्टोथर्मिक कह दो या पोइकिलोथर्मिक कह दो इनको, एक ही बात, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम जैसे आपने कल भी बताया था कि जो फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल, बिल्कुल, या होमियोथर्मिक एनिमल जो है वो बर्ड्स है, बर्ड्स बने हैं, तो बर्ड्स और मैमल दोनों ही ऐसे हैं। तो सुनील जी फिर बच्चों को इसमें
फिर वही एग्जांपल वाली बात आ गई, ठीक बात है। तो इसमें बर्ड्स और मैमल कौन कौन से हैं वो देखने हैं। हाँ। तो पिलोन रेप्टाइल हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये टेस्ट भी रेप्टाइल हो गया, एप्टिनोराइट्स पेंगुइन है, बर्ड है, बर्ड हो गया, नियोफ्रॉन वल्चर, नियोफ्रॉन वल्चर बर्ड्स है, पेओक्रिस मोर, मोर हो जाएगा, इसमें सारे के सारे जो है शायद बर्ड्स ही दिए ना, मैमल एक भी नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैमल नहीं है कोई भी मैमल, तो इसमें मैमल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो चले आगे जी सर, क्वेश्चन नंबर 104 रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड फोर चैम्बर्ड हर्ड आर प्रेजेंटिंग। तो फोर चैम्बर्ड की अगर मैं बात करूं तो रेप्टाइल्स के बाद में मिलेंगे, लेकिन रेप्टाइल में एक्सेप्शन क्रोकोडाइल वाला बता, क्रोकोडिलिया ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, उसमें फोर चैम्बर्ड हर्ड पाया जाता है, और एविज और मैमल्स में फोर चैम्बर होता है। तो अपन कौन सा देखना है, नाजा नहीं होगा, वाइपेरा रेप्टाइल्स नहीं होगा, ये कैमेलियन नहीं होगा, स्ट्रूथियो ये इसका आंसर चला जाएगा, ऑस्ट्रिच। मैंने कहा था कॉमन नेम भी याद रखना है, जूलॉजिकल नेम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, एक लिंग मैमल पूछा है, तो जैसे एप्टिनोडाइट्स जो है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, एविज हो जाएगा वो तो, और पेवो ये मैमल है नहीं, और डेल्फिनस एक्वेटिक मैमल है लेकिन विविपेरस है, विविपेरिस शो करता है, और इसको कॉमन डॉल्फिन कहा जाता है जी। और यहाँ पर जो इकाइडना है ये स्पाइनी एंट ईटर, जी जी, प्रोटोथीरियन जी जी, और ये मोनोट्रीमेटा ऑर्डर है इनका, मोनोट्रीमेटा ऑर्डर से बिलोंग करता है, मोनोट्रीमेटा। हां, ये यहां पर बहुत ही अच्छी बात आ रही है, सिंगल ओपनिंग, आपको जो है ये क्लास मैमेलिया जो हैं इनके ऑर्डर भी याद रखने, ऑर्डर याद रखने हैं। 2018 में हॉर्स का ऑर्डर पेरिसोडक्टाइला पूछा गया, पूछा हुआ, तो ये याद करना है जी जी, और ये अपने मॉड्यूल के अंदर दिया हमारे स्टडी मटेरियल में। आप मान के चले हमने एडिशनल मैटर जो है वो रिमूव आउट कर दिया है, एक ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भैया पीएचडी नहीं करवानी है, हमें केवल एमबीबीएस में इंटेक करवाना है, और वो इतना मैटर सफिशिएंट मैटर देंगे, उसी को ही बार-बार रिवाइज करवा लेंगे ना एडिशनल पढ़ाने के बजाय। तो इसका आंसर कौन सा चला गया, तो टाइटन हो जाएगा, एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स जो है प्रोटोस कैटेगरी में इंक्लूड है। चलें आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड, बर्ड के कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो सिंसेक्रम पाइकोस्टाइल दोनों है, इनके विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं यतिन सर इनको बच्चों को, सिंसेक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्रम जो पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का, ये ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, क्योंकि सेक्रम के ऊपर जो लंबर पाई जा रही हैं वो इसके साथ फ्यूज हो जाती हैं, और नीचे की ओर जो काउडल पाई जा रही हैं उनका भी फ्यूजन हो जाता है, इनिशियल काउडल फ्यूज हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन की कंप्लीटली भी फ्यूज हो सकती है, पार्शियल फ्यूजन भी यहाँ पर देखा जा सकता है। पाइकोस्टाइल की अगर बात करें तो जो काउडल वर्टिब्री है लास्ट वाली और ये सपोर्ट करती है किसको, जो टेल का फीदर पार्ट होता है, उस टेल के फीदर पार्ट को सपोर्ट करने के लिए पाइकोस्टाइल, मतलब एरियल हैबिटेट का अडैप्टेशन क्रिएट, एरियल हैबिटेट का फ्लाइंग अडैप्टेशन ये जो है ये क्रिएट करता है, मतलब जो इसका मतलब जो बर्ड्स उड़ते नहीं है उनमें ये फीचर एब्सेंट है, उनमें नहीं पाए, फ्लाइटलेस बर्ड्स में ये नहीं, बिल्कुल जैसे पेंगुइन की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ फ्री इंटरक्लेविकल बिटवीन द फ्री क्लेविकल ऑफ ईच आर्म, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, क्योंकि जो क्लेविकल होती हैं लेफ्ट और राइट उनके बीच में इंटरक्लेविकल होती है, इंटरक्लेविकल, और ये फ्री नहीं है, जुड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी एक अडेप्टेशन है, इनिशियल जो फ्लाइट जो कोच करते हैं बर्ड्स अचानक उड़ते हैं जी, तो उसके दौरान जो है एक सपोर्टिव फंक्शन, सपोर्टिव फीचर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग बोन विद एयर कैविटीज, छोटी बोन्स जो है वो होलो होना ये नहीं है, लॉन्ग बोन्स जो है वो होलो पाई जाती है, और इनको न्यूमेटो न्यूमेटिक बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोआका, तो ये इनका फीचर है ही, इसमें एलिमेंट्री कैनाल और एक्सक्रीटरी पार्ट जो है ये दोनों कंबाइनली आकर ओपन होता है, क्लोआका कॉमन ओपनिंग है जैसा सर ने बताया, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी ओपन होती है फिश में, सुनील जी ये जो है कार्टिलेजिनस फिश में, बोनी में नहीं है ना, बोनी में नहीं, एम्फीबियन में है, बिल्कुल ठीक बात, रेप्टाइल्स में है क्लोआका पाया जाता है, बर्ड्स में भी है, और प्रोटोथीरियंस जो और मैमल्स में फर्स्ट जो जो प्रोटोथीरियंस है उसमें जो ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा उसी के अंदर पाया जाता है, मतलब जो यूथीरियंस हैं उनके अंदर ये नहीं पाया जाता है, उनमें मेटाथीरिया यूथीरियम सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो चले आगे जी जी सर, hiding in a deep burrow to protect themselves from external heat and cold, मतलब ये जो है animals के अंदर जो
विंटर में और समर के अंदर जो हाइबरनेशन एस्टिवेशन टेम्परेचर चेंज जो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए उसकी बात की जा रही है ना, तो इसमें बी और सी को करेक्टली जो है वो मैचिंग वाला पूछा है। तो आप लोग यहाँ देखें कि देन सो एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, तो पहले हीट के लिए और फिर कोल्ड के लिए, तो ये जो है आपका इसका थोड़ा सा ये हो जाएगा कि प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, मतलब जो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है ना उसके रेस्पेक्ट में ये पूछ रहा है और कह रहा है ये तो एनिमल क्या कहला गए जो एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचाएंगे, तो ये तो क्या कहला गए अपने आप को, होम्योथर्मिक एनिमल बन जाएंगे। और इसके अंदर जो है वो शायद एक्टोथर्मिक की बात हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्टोथर्मिक जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, पोइकिलोथर्मिक पोइकिलोथर्मिक, तो इसमें अपन इनको तो हटा देंगे। बिल्कुल, होम्योथर्मिक को अपन हटा देते हैं, ठीक है। और तो, हाँ एक्टोथर्मिक में दोनों, हाँ पोइकिलोथर्मिक और इसी को ही एक्टोथर्मिक भी कहा जाता है। लेकिन अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं, तो एग्जाम्पल तो चाहिए अपने को होम्यो किसके एंडोथर्म की जी, और ये स्टेटमेंट चाहिए अपने को पोइकिलोथर्म का, तो पोइकिलोथर्म के साथ में एग्जाम्पल अपने को एंडोथर्मिकल एंडोथर्मिकल है ना, तो आप देख लो पोइकिलोथर्म एविज मैमल्स, हाँ बिल्कुल, तो ये करेक्टर तो है इनका, हाँ तो ऐसे कौन नहीं है, ये नहीं है एविज और मैमल नहीं है, तो आंसर अपना ये चला जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो रेप्टाइल्स एविज आ गया, तो रेप्टाइल्स जो है ये गलत हो गई बात इसकी वजह से जी, ठीक है। और एक्टोथर्मिक बोल दिया, एम्फीबिया रेप्टाइल्स दोनों ही कैसे हैं भैया, ये तो दोनों ही कैसे कहलाते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल एक्टोथर्मिक एनिमल कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर चला जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, स्केल्स विच आर मॉडिफाइड इंटू टीथ ऑफ वर्टिब्रेट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ, ऐसा जो है कार्टिलेजिनियस फिशेज में पाया जाता है, और कार्टिलेजिनियस फिशेज में प्लेकोइड स्केल का मॉडिफिकेशन कहलाते हैं इनके टीथ, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से उनकी जो वेंट्रल जो माउथ होता है जी उसके अंदर वो टीथ मौजूद होते हैं, बिल्कुल प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन जो है वो पाया जाता है टीथ के रूप में, और कार्टिलेजिनियस फिशेज में से कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल चले आगे जी जी 109 हो जाएगा जी सर। एक्वेटिक लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल की बात कर रहा है, एक्वेटिक है, विद एंशिएंट ओरिजिन एंड मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टर व्हिच रेस्पायर थ्रू बुक गिल्स, यानी गिल्स बुक गिल्स, ये ऑर्थोपोड्स वाली बात, लिमुलस, और ये लिमुलस किंग क्रैब की बात यहाँ पर की जा रही है, सीधा है, इसमें बच्चे याद रख सकते हैं ऑर्थोपोड में सुनील जी, जी जो गिल्स हैं तो वो क्रैब और आपका जो है प्रॉन के अंदर हो गया, और जो बुक गिल्स है जी, बुक गिल्स आपका ये लिमुलस हो गया, लिमुलस हो गया, और एक सुनो जी बुक लंग्स भी बता सकते हैं, हाँ बुक लंग्स भी स्कॉर्पियन हो जाएगा, बुक लंग्स स्कॉर्पियन अरेक्निड है ना, अरेक्निड स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, स्पाइडर और एक ट्रेकियल सिस्टम, हाँ ट्रेकियल सिस्टम जो कि मोस्ट ज्यादातर देखा जाता है, बिल्कुल, तो ऑर्थोपोड में बच्चे इन सबको ऐसे याद रख सकते हैं, कि एक्चुअली में बुक शब्द यूज किया है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ओपन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, बुक लाइक बुक के पेज की तरह लैमेली होती है, इसलिए इनको बुक यूज किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चले आगे जी सर, तो आंसर कौन सा चला गया इसका अपना, किंग क्रैब इसको बोल सकते, हॉर्स क्रैब, बिल्कुल ये नाम भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन व्हेल एलिफेंट टाइगर एंड हॉर्स, सारे मैमल हैं, वेल डेवलप्ड पिना, व्हेल में तो पिना पाई नहीं जाती, हाँ एक्वेटिक मैमल में नहीं, एक्वेटिक मैमल में पिना नहीं, और एगलिंग मैमल में भी नहीं, हाँ प्रोटोथीरियन फॉर्म में भी नहीं है, हाँ, तो ये बच्चे नोट कर लेंगे कि मैमल में ईयर पिना किसके पास नहीं, एक्वेटिक मैमल और एगलिंग मैमल प्रोटोथीरियन, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद हेयर्स, तो व्हेल में हेयर्स नहीं पाए जाते, एक्वेटिक मैमल में एडल्ट स्टेज में हेयर नहीं होते, हालांकि उनकी एम्ब्रियो में जरूर होते हैं, लेकिन वो ब्रथ से पहले हट जाते हैं, बहुत ही माइन्यूट फॉर्म वो, ये क्योंकि एंसेस्टर के जो जीन होते हैं उनका एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी वजह से वो टेम्परेली हेयर डेवलप होते हैं जी जी जी, इसको एम्ब्रियोलिक एम्ब्रियोनिक एविडेंस की फॉर्म में अपन ओंटोजेनी कैप्टुलेट फाइलोजेनी आगे चलकर एवोल्यूशन में, एडल्ट में हेयर नहीं होते हैं। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सभी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती है, बिल्कुल हाँ, ठीक बात है, ज्यादातर मैमल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, लेकिन सभी में होती तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ब्रेडिपस सी में सी का उजू है उसमें 7 से कम होती है, बिल्कुल कुछ में 7 से ज्यादा भी हो सकती है जी जी।
गेस्टेशन पीरियड भी सबका अलग अलग है। ये भी सबका, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूं बच्चों को, गेस्टेशन पीरियड जैसे बेल की मैं बात कर लूं तो इसका 15 मंथ के लगभग होता है, ठीक है, 15 टू 16 कहलाता है। एलिफेंट की बात कर लें यतिंद्र सर तो 22 मंथ कहलाता है। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है ये आपको एनसीईआरटी में जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर नंबर अपना ह्यूमन पहला ही जो, हाँ वो तो उसके रेस्पेक्ट में याद रखना है। टाइगर की अगर बात कर लें तो टाइगर का जो है 3-4 मंथ कहलाता है, 3-4 महीने ही कहलाता है, ठीक है। हॉर्स की अगर बात कर लें तो हॉर्स का जो है वो 11-12 महीने हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। तो बिना व्हाट इज कॉमन, सभी में कॉमन कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, ये सभी में कॉमन हो जाएगी, 7 हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे। जी सर, स्केल्स ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। तो देखें कि जो स्केल्स हैं वो सुनील जी, अगर अपन देखें कॉर्डेट के अंदर, यूरो कॉर्डेट में नहीं है, सिफेलोकॉर्डेट में नहीं है, फिर वर्टिब्रेट के अंदर अग्निथा जो है उनके अंदर जैसे साइक्लोस्टोमेटा उनमें भी नहीं है, एग्नाथा विदाउट जो, विदाउट जो उनमें भी नहीं है बिल्कुल, और फिर गणेथा के अंदर जो सुपर क्लास पीसी जो टेट्रापोड इनमें है। तो मछलियों से अपन बच्चों को अगर बताएं तो जैसे बोनीफिश और कार्टिलेजनस फिश पे स्केल्स होते हैं बिल्कुल। अभी क्वेश्चन भी आया था कि कार्टिलेजनस में प्लैकोइड स्केल्स हैं और वहां पर गैनोइड टाइप के टेनोइड गैनोइड वगैरह, टेनोइड गैनोइड। तो ये जो स्केल्स हैं सुनील जी फिश में, तो ये मेसोडर्मल है, डर्मल स्केल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में एम्फीबियन इवोल्व हुए, उनमें ज्यादातर स्केल्स एब्सेंट हो गए। उसके अंदर जैसे जो लिम्बलेस जो है स्किन के नीचे जरूर हो सकते हैं सिसिलियन में, बाकी एम्फीबियन में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। रेप्टाइल में स्केल्स हैं और उनका ओरिजिन अलग है और वो जो है एपिडर्मल है, एक्टोडर्मल है बिल्कुल। फिश में तो मेसोडर्मल, मेसोडर्मल ओरिजिन हो गया और रेप्टाइल में एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन की कह रहा है। फिश के जो स्केल्स हैं वो मोल्टिंग के थ्रू, एग्डाइसिस के थ्रू हटते नहीं है, रेप्टाइल में हटते हैं बिल्कुल। जैसे अपन बात करते हैं सांप में केंचुली की बात कर ले, और बर्ड्स में स्केल्स की जगह फीदर आ गए, फीदर आ गए बस पैरों के ऊपर, हाइंड लिंब में कल्पना है। और मैमल्स की, मैमल में स्केल्स है नहीं बिल्कुल। मैमल्स के अंदर एक डिराइव्ड करेक्टर हुआ सुनील जी, कि मैमल के एंसिस्टर ने अपना खुद का करेक्टर नेचुरल सिलेक्शन से डिराइव किया और वो बॉडी है, बॉडी है जो उससे पहले किसी में नहीं था, ठीक बात। ये डिराइव करेक्टर, जी जी चले आगे जी। तो इसमें सेम ओरिजिन है, सेम इन ओरिजिन, इसमें लिखते हैं क्या? नहीं, नो, डिफरेंट इन, सॉरी सॉरी, डिफरेंट इन ओरिजिन, डिफरेंट। तो वो लिख देते हैं अपना यहाँ पे, फिश के लिए तो लिख दो आप मेसोडर्मल। फिशेज की अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, मेसोडर्मल होती हैं, ये इसको डर्मल भी कह सकते हैं या डर्मल भी कह दो इसको, एक ही बात है। और इधर अगर रेप्टाइल्स की मैं बात करूं तो कैसा हो जाएगा, एपिडर्मल, एपिडर्मल स्केल्स की प्रेजेंस देखी जाती जी। मूव करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 112। द करेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल कॉर्डेट विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मली डिराइव्ड नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड सभी में पाई जाती है, ठीक है। मेसोडर्मली मतलब लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में है बिल्कुल, तभी वो कॉर्डेट है जी बिल्कुल, ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम सब में नहीं है, क्योंकि अपन कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें क्या बन जाएंगे, इससे पहले का डिवीजन भी बन जाएगा, वर्टिब्रेटा बन जाता है, इससे ठीक पहले वाले यूरोकॉर्डेट, यूरोसिपेलो में नोटोकॉर्ड है बिल्कुल, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, नहीं है। यूरोकॉर्डेट में इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है, बाद में वही गायब होगी एडल्ट में, ठीक बात है, वही सही बात। सिफेलोकॉर्डेट में हेड से टेल तक प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ड, डोर्सल हर्ड का पाया जाना, एक्चुअल में जो कॉर्डेट है उसमें हर्ड तो डोर्सल होता है, सब में नहीं होता, सब में नहीं होता। जैसे यूरोकॉर्डेट में न्यूरोजेनिक हर्ड होता है, ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूब की तरह बिल्कुल, जिसमें बाई डायरेक्शनल ब्लड का फ्लो होता है यूरोकॉर्डेट में, हेडमानिया वगैरह में बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंसेक्ट में आपका न्यूरोजेनिक हर्ट होता है, वैसे इनमें होता है बिल्कुल। और फिर सिफेलोकॉर्डेट में हर्ट है ही नहीं,
सही बात है, वहां पर एब्सेंस ऑफ हर्ट देखे जाते हैं। अच्छा एक चीज ये देखो कि यूरोकोडेट जो है उसमें हर्ट है, इन ब्लड सर्कुलेशन ओपन है, ठीक बात है, और सिफलोकोडेट में हर्ट नहीं है, नहीं है, और सर्कुलेशन क्लोज है, क्लोज टाइप का है, तो यहाँ पर ये इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि सब कोडेट में हर्ट नहीं है, ठीक बात है। डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड पाई सॉलिड कर दिया इसको, ये इसकी वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो फिर आंसर कौन सा जा रहा है अपना, कौन सा आंसर नंबर फर्स्ट चला जाता है। इसमें सुनील जी बच्चे एक चीज और याद रख सकते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट के अंदर जो फंडामेंटल फीचर है तो उसमें तीन फंडामेंटल फीचर कोऑर्डिनेट के लिए एनसीईआरटी लिखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेसोडर्मल नोटोकॉर्ड हो गई, बिल्कुल, डोर्सल नर्व कॉर्ड हो गई, नर्व कॉर्ड हो गई, पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स का पाया जाता है, ये तीन फंडामेंटल याद रखने और कभी-कभी फोर्थ कैरेक्टर पूछ लिया जाता है जो फंडामेंटल में है लेकिन याद रख सकते हैं, पोस्ट एनल तो हर्ट वाला, हां वेंट्रल हर्ट, बिल्कुल, और एक पोस्ट एनल पेन, पोस्ट एनल वो एडिशनल है, एडिशनल है, फंडामेंटल, लेकिन ये तीन करेक्टर जो है ना ये आपको याद है, बड़ी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, व्हिच वन इज नॉट ए फंडामेंटल फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट, जी बिल्कुल सर। चले आगे जी सर, पेयर ऑफ एनिमल है और इसमें क्या पूछ रहा है, सिमिलर टू ईच अदर, हां सिमिलर टू ईच अदर देखना, बिल्कुल, तो जैसे टेरोपस और ऑर्निथोराइनेसिस ये दोनों ही मैमल है सुनील जी, और क्लोएका केवल इसमें प्रेजेंट होता है, ऑर्निथोरिंगा इसमें ही पाया जाएगा, ये एक लाइन एमल है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये टेरोपस अपना कंगारू बनी गया, ठीक है जी, बिल्कुल, और नहीं ये टेरोपस तो वो बैट हो गया, सॉरी फ्लाइंग फ्लाइंग फॉक्स बैट हो जाता है, ठीक बात है। फिर ये गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड हो गई कैरोटिस, और ये हाइला फ्रॉग, ये फ्रॉग हो गया, तो इसमें फोर चेमोडेट तो गलत हो गया ना, दोनों में ही नहीं है, इसमें टू थ्री और इसमें भी थ्री, थ्री दोनों में, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। एस्केरिस और नेरिस, एक एसके है और एक एनलिड है, एनलिड है, मेटामेरिज्म तो केवल नेरिज में ही पाया जाएगा, केवल नेरिज में ही पाया जाएगा। फिर कटला और प्रिस्टिस जो है पॉइकिलोथर्मिक है, दोनों अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती, हालांकि एक तो बोनीफिश है और एक कार्टिलेजिनस फिश हो जाएगी, दोनों ही एक्टोथर्मिक, इसको सॉफिश के नाम से भी जाना जाता है, आरा मछली, आरा मछली से आरे की तरफ, आरे आरे की तरफ स्नाउट, बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर जो है फोर्थ चला जाएगा अपना, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही सुनील जी इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, इनकरेक्ट एनिमल का क्लास का और उनके फीचर का ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो सिटेगुला की अगर बात करें तो एविज हो गया, बिल्कुल सही है, सिटेगुला ये पैरेट को कहा जाता है, होमियोथर्म होते हैं, होते हैं, फोर लिंब मॉडिफाइड इनटू विंग, सही बात है, फोर चेंबर हर्ट भी पाया जाता है, पाया जाता है, पहले सही, आपने जो पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं जाएगा, ठीक है, वैसे तो सही है ये पूरी इंफॉर्मेशन, आंसर नहीं है, लेकिन आंसर नहीं है, मैक्रोपस मेमेलिया है, ठीक बात है, होमियोथर्म एनिमल है, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स पाए जाते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो ये भी सही है, सही है, लेकिन पूछा रॉन्ग है, तो आंसर तो ये कंगारू है, कंगारू, हाँ कंगारू कहा जाता है, मैक्रोपस, किलोन रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल हो गया, ये एम्फीबिया दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर ये चला जाएगा। ऑर्निथोरिंकस की बात कर रहा है, मेमेलिया है, एब्सेंस ऑफ पिन्ना, बिल्कुल आपने पहले भी कहा था, प्रोटोकॉर्डेट जो फॉर्म है वो एक्वाटिक मैमल, प्रोटोकॉर्डेट नहीं, यूरोकॉर्डेट, हाँ नहीं, इनको ऑर्निथोरिंकस को अपन वो एग लेइंग मैमल्स बोलते हैं, एग लेइंग मैमल, और यूरोकॉर्डेट के अंदर आपका सॉरी वो जो है यूरोकॉर्डेट नहीं, मैमल्स के अंदर जो आपका मोनोट्रीमेटा है, प्रोटोथीरियंस, उनके अंदर जो मोनोट्रीमेटा है उसमें आ गए, तो एब्सेंस ऑफ पिना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरका, ये भी देखा जाता है, ठीक है, तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर थ्री चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, जी सर, बोथ एमोनोटेलिज्म और यूरोटेलिज्म हो, एडल्ट स्टेज में भी हो, लार्वल स्टेज लार्वा में भी हो, तो जैसे सुनील जी जो एम्फीबियन में फ्रॉग की बात करें उसका टेडपोल स्टेज में वो मोनोटेलिक है, बिल्कुल, एडल्ट स्टेज में वो यूरियोटेलिक जी, और जितने भी टेल वाले एम्फीबिया हैं वो मोनोटेलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात है, सेलेमेंड्रा टेल है, ठीक है, टेडपोल में भी टेल है, ठीक है। अर्थवर्म की बात करें तो जो बरसात काफी ज्यादा होती है, मिट्टी में पानी काफी ज्यादा हो जाता है, तो मोनोटेलिज्म मोनोटेलिक हो गया, बरसात की कमी होने पे वो यूरियोटेलिक हो गया, है ना, ठीक बात। इस तरीके से अपन अगर देखें तो जैसे फ्रॉग स्नेक तो हमेशा यूरिकोटेलिक ही, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट आ रही है, ये वाला अपन लेंगे, और मैरीन फिश जो है ये भी क्या है भैया, ये भी इसमें अमोनो भी और यूरियो भी, जैसे अपन बच्चों को बताएं कि कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटेलिक है और बोनीफिश अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक है, बिल्कुल। फिर अर्थवर्म आ गया, सही है, बिल्कुल, और फ्रॉग भी दोनों ही कर रहे लाइफ साइकिल, बिल्कुल, और सेलामेंडर है ही, तो ये परफेक्ट जा रहा है, बिल्कुल, इसके अंदर। और नेक्स्ट और देख लें, अर्थवर्म आ गया, बहुत मैरीन है, अलग अलग स्टेज में नहीं है, अलग अलग सेम ही है, क्योंकि एक कार्टिलेजिनस है तो एक
बोनी फिश एरिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना सेकंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्डेट इज दैट दे आर, कैसे होते हैं कॉर्डेट? तो कॉर्डेट की अगर बात करें तो एंडेरोसिलोमेट कहलाते हैं, तो इकाइनोसिस शुरू हो गए, तो साइजों को तो काट देते हैं अपन, एंडेरोसिलोमेट हो गए, एंड रेडियल क्लीवेज इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। जी, इनमें कॉर्डेट में रेडियल क्लीवेज बच्चों को अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान रेडियल क्लीवेज जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर जो है ये फर्स्ट ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, सिफेलोकॉर्डेट के लिए पूछा है, अभी शुरू में डिस्कस भी किया था कि नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वल स्टेज में भी होती है और अडल्ट में भी स्टेज में भी पाई जाती है, और इनके अंदर सिफेलोकॉर्डेट मतलब सिफेलो मतलब सिफेलो हेड रीजन से, तो हेड से बिल्कुल टेल तक नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही कहा, ऐसा ऑप्शन देखना है कि फाउंड इन लार्वा एंड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, नहीं नहीं ये नहीं, फाउंड इन लार्वल स्टेज एंड परसिस्ट इन अडल्ट। सिफेलोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट चाहिए, लार्वा में पाई जाती है, ये दोस्त गलत हो गया। हां, और ये भी गलत हो गया, तो इसके अंदर आंसर हो गया सेकंड। सिफेलोकॉर्डेट नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि सिफेलोन मतलब हेड से स्टार्ट हुई है, हेड से लेकर टेल रीजन तक थ्रू आउट द लाइफ जो है ये परसिस्ट रहती है लार्वल स्टेज में भी। जी, नेक्स्ट हो जाएगा 118, व्हिच ऑफ द यूरोकॉर्डेट के लिए ना, यूरोकॉर्डेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू यूरोकॉर्डेट, वही एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, डोरियोलम, सालपा, अब इसमें ब्रैंकियोस्टोमेटा की वजह से रॉन्ग हो गया, बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि ये सिफेलोकॉर्डेट है, सही बात। और हाँ ये देखो सेकंड आंसर जो है ये अपना सेकंड इसका, इसमें ये लैम्प्री अलग है, ब्रैंकियोस्टोमेटा ये अलग है, बिल्कुल, और इसमें जो माइक्सिन दे दिया इसलिए गड़बड़ हो गई, मिक्स एंड फिश की बात हो गई, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2, बढ़िया आगे जी। क्वेश्चन नंबर 119 जी सर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पे पूछा है, तो जो है मेन तो बिल्कुल कि जो है तो एग्नाटा और नेथोस्टोमेटा, हाँ, और इसके अलावा जो अपेंडिजेस हैं पेट, तो वो उनको अपन ले सकते हैं, तो नर कोड के बेसिस पे होगा नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे नहीं होगा, जो एंड पेट अपेंडिजेस, तो ये परफेक्ट इसका आंसर चला जाए, बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ पेट्रोमाइजोन इज मेड अप ऑफ, सिंपल सा कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस फिश है तो कार्टिलेज का बना हुआ एक्सोस्केलेटन जो है एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा कॉर्डेट में जो बच्चे हैं कुछ एडिशनल जो क्वेश्चन याद रख सकते हैं, जैसे एमनियोट्स, एन एमनियोट्स, एमनियोट्स ठीक बात है, तो एमनियोन है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, और सुनील जी एन एमनियोट्स जो है ये वो है जिनके एक पानी में है, पानी में है, और तो इनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं जी है। जी, और एक सेल भी इनमें नहीं होता है, तो जितने भी एन एमनियोट्स होते हैं जैसे फिश और एम्फीबिया, इनमें एमनियोन भी नहीं है और इनके एक के बाहर शेल भी नहीं है, तो नॉन क्लूडोइड एग हो गए, नॉन क्लूडोइड टाइप के एग हो गए, जबकि रेप्टाइल, एविज और मैमल जो है ये कैसे कहलाते हैं, एमनियोट्स कहलाते हैं, एमनियोट्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियोन है, बिल्कुल, और इनके बाहर जो सेल है वो प्रेजेंट है, बिल्कुल, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अंडे देते हैं, मैमल में आपका ये जो प्रोटोथीरियंस है एगलिंग, की बात अपन कर रहे हैं, बाकी तो वेवी वायरस हैं, बिल्कुल ठीक बात। इसके अलावा सुनील जी एक बच्चे वो कोंडाइल भी याद रख सकते हैं, मोनोकोंडाइलिक स्कल और डाइकोंडाइलिक स्कल, तो जो ऑसिपिटल बोन में जो कोंडाइल है, बिल्कुल, तो कुछ में दो होते हैं कुछ में एक होते हैं, सही तो एम्फीबियन और मैमल्स ये डाइकोंडाइलिक हैं और बाकी कैसे हो गए, मोनोकोंडाइलिक हो जाए, बिल्कुल। तो ये थे सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का ये अपना लेक्चर नंबर 2 जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, उम्मीद है हमें कि आपको काफी आनंद आया होगा, नो डाउट, क्योंकि आपके कल के कमेंट्स देखकर जो है हमें सेल्फ मोटिवेशन जो है वो नो डाउट कमेंट से ही आएगा आपके, और बहुत ही शानदार आपने जो है अचीव भी किया है, बहुत ही शानदार इस चीज को समझा भी है, ये अल्टीमेट चीज रहेगी, और डिस्कशन के दौरान बच्चों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अपन ने केवल क्वेश्चन सोल्व करा के फॉर्मेलिटी नहीं की, एग्जैक्टली सही, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है या एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से जो एडिशनल क्वेश्चन है वो भी अपने यहाँ पर बच्चों के बीच में रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है अगर अच्छे से वीडियो को देखा है तो इनको फायदा होगा, और फायदा होगा, और नो डाउट ये आपको मैं अभी बता दूं, चलो इस समय तो आपके लिए नो डाउट बेनिफिशियल है, ये और ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा 2021 की जब एग्जाम आ जाएगी, जब 1.5 महीना 2 महीना आपके पास बचेगा, तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज आएगी, और अगर वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के भी आए, हाँ हाँ, तो बेनिफिशियल, आपको खुद को जो है एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा, तो ये है कि रिवीजन का अच्छा तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू बच्चों।